तो बात करते हैं आज हम बात करेंगे रिमाटिक फीवर एंड रिमाटिक हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं कल जैसे मैंने बताया था टॉपिक कि आज हम बात करेंगे रिमाटिक फीवर एंड रिमाटिक हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, किसी को कुछ आइडिया है? मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाओ रिमाटिक फीवर एंड रिमाटिक हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग। कुछ भी आइडिया तो फिर बता दो, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर पता हो तो। अगर सिलेक्शन चाहिए ना थोड़ा बहुत, जैसे मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत मतलब पढ़ के आ अरे जाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें बेसिक नॉलेज पता है तो तुम्हें एक तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो जैसे बोलता हूँ थोड़ा बहुत सुन लिया करो, और मैं तो खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन के लिए बोलता हूँ। ठीक है बताओ। सर, इट इज अ ऑटोइम्यून डिजीज वेरी गुड, दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, ओके वेरी गुड। तो पहले एंड तो इट इज ये द रिमार्क, इन्फेक्शन हाँ बोलो। इन्फेक्शन कॉज बाय द टाइप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस, और ये बोल सकते हो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, यस सर. राइट। ओके फाइन। सो अब बेसिकली हमें यहाँ से जो जो पता चला, एक है क्या, एक तो बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज होगा। ठीक है ना, रिमाटिक फीवर और रिमाटिक हार्ट डिजीज दोनों, मतलब अगर बात करें रिमाटिक फीवर एंड हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग, तो पहले रिमाटिक फीवर आता है और उसका एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है जिसे हम रोमांटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे रिगार्डिंग की कैसे डेवलपमेंट होता है इसका, रोमांटिक फीवर कैसे आता है, उससे फिर कैसे रोमांटिक हार्ट डिजीज होता है, वो सारी चीज हम सिक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए रोमांटिक फीवर और रोमांटिक हार्ट डिजीज आज ओवरऑल क्या होता है वो समझते हैं। रोमांटिक रोमांटिक फीवर एंड रोमांटिक हार्ट डिजीज या RHD बोल सकते हो, ये दोनों बेसिकली क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होगा। ठीक है ना, दिस आर ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है कौन बताएगा? ऑटो इम्यून मतलब क्या, जहां पर सेल्फ एंटीबॉडी, ठीक है ना, खुद का एंटीबॉडी खुद का कोई बॉडी टिश्यू को अटैक करें, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सेल्फ एंटीबॉडी, या फिर ये बोल सकते हो ओन एंटीबॉडी, ओन एंटीबॉडी सेल्फ, या फिर बोल सकते हो ओन एंटीबॉडी अटैक्स ऑन ओन बॉडी टिश्यू, ओन बॉडी टिश्यू। अगर खुद का बॉडी टिश्यू को अगर कोई हमारा खुद का एंटीबॉडी अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब रिमाटिक फीवर या रोमांटिक हार्ट डिजीज इसी टाइप का डिजीज है, जहां पर खुद का एंटीबॉडी जो है हमारा खुद का एंटी आई मीन बॉडी ऑर्गन को अटैक कर लेता है। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादातर ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, कौन सा टिश्यू अफेक्टेड होता है, जैसे मैंने बोला कि खुद का एंटीबॉडी है बॉडी टिश्यू को अटैक कर लिया खुद का, तो कौन सा बॉडी टिश्यू को ज्यादातर अटैक करता है वो बात करते हैं। ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू को अटैक करता है, कनेक्टिव टिश्यू तो हर जगह पे है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कनेक्टिव टिश्यू अगर बात करें, हमारा सर से लेके पैर तक कनेक्टिव टिश्यू हर जगह पे मिलेगा, लेकिन ज्यादातर कौन अफेक्टेड होता है अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू वाला कौन सा ऑर्गन ज्यादातर अफेक्ट होता है, तो पहले नंबर पे आता है हार्ट, सेकेंड नंबर पर आता है ज्वाइंट, थर्ड नंबर पर आता है ब्लड वेसल, देन फोर्थ नंबर पर आता है CNS, नेक्स्ट आता है स्किन। ठीक है, तो ऐसे करके सिक्वेंस में बताएं तो फिर नंबर वन आता है हार्ट, जो कि पहले अफेक्टेड होता है। तो पहले यहाँ पे क्या बात करेंगे, रिमाटिक हार्ट डिजीज या फीवर मतलब क्या, दिस इज इट इज एन इंफ्लामेटरी, मैं जैसे बता के जाता हूँ डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इट इज एन इंफ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू टिश्यूज ऑफ, नंबर वन में क्या बोला मैंने, एक तो हार्ट अटैक होता है, हार्ट का टिश्यू को अफेक्ट कर लेता है, नंबर टू में ज्वाइंट, ठीक है ना, जॉइंट्स नंबर थर्ड में क्या आता है, नंबर थर्ड में आ जाता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। नंबर फोर्थ में आता है क्या, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर फिफ्थ आ गया हमारा स्किन।
ठीक है, तो ये इतना ऑर्गन्स बेसिकली अफेक्ट होता है। मैंने बोला नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादातर जो अफेक्ट होता है वो कौन होगा, हार्ट। समझ गए? हार्ट, तो रिमाटिक फीवर या रिमाटिक हार्ट डिजीज क्या होता है, ये एक टाइप का इंफ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है। वो क्यों इंफ्लामेटरी बोला जाता है वो भी बात करेंगे। ऑटो इम्यून क्यों, क्योंकि खुद का एंटीबॉडी हमारा बॉडी का जो है कोई टिश्यू को अटैक कर लिया, इसलिए हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज करके, और उसके वजह से इंफ्लामेशन शुरू होता है ज्यादातर कहां पर, हार्ट, उसके बाद ज्वाइंट में अफेक्ट होता है। अब यहाँ पे रिमाटिक फीवर एंड रिमाटिक हार्ट डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर पूछ लिया तो आंसर क्या होगा बताओ, रिमाटिक हार्ट डिजीज। मतलब अगर रोमैटिक फीवर का अगर मैं बोलूं सबसे सीरियस एंड कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन रोमैटिक फीवर का, ठीक है ना, द मोस्ट मोस्ट कॉमन, ये बोल सकते हो मोस्ट कॉमन, मोस्ट सीरियस, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोमैटिक फीवर, तो आंसर क्या होगा, रोमैटिक हार्ट डिजीज। क्या होगा बताओ, रोमेटिक हार्ट डिजीज। रोमैटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, याद रखना रोमैटिक हार्ट डिजीज। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। यहाँ पर यस सर। रोमैटिक हार्ट डिजीज के रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ, रोमैटिक हार्ट डिजीज तो हो जाएगा कि रोमैटिक फीवर की वजह से क्या होगा, मोस्ट कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशन आता है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आता है रोमैटिक फीवर का, वो आ जाता है रोमैटिक हार्ट डिजीज। और रोमैटिक हार्ट डिजीज में या हार्ट अफेक्ट होने पर कौन सा पार्ट हार्ट का ज्यादातर अफेक्ट होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, तो वो क्या होगा, मिट्रल वाल माइट्रल वाल्व। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होने वाला पार्ट हार्ट के अंदर, तो वो क्या होगा, वाल्व्स होगा, और वाल्व्स के अंदर कौन सा, माइट्रल वाल्व। समझ गए? मिट्रल वाल हाँ, तो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होता है वो क्या होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज में, द अफेक्ट होगा कौन सा, मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द हार्ट, पार्ट ऑफ हार्ट अफेक्टेड विथ इज द वाल्व। समझ गए? और ये कौन सा वाल्व होगा, माइट्रल वाल्व, ठीक है ना, याद रखना कौन सा वाल्व आता है, माइट्रल वाल्व। समझ गए? तो मैंने क्या बोला, रूमेटिक फीवर का मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज, और इसमें ज्यादातर हार्ट के अंदर जो अफेक्ट होता है, जो अफेक्ट होता है वो क्या होगा, वाल्व होगा, और ये वाल्व कौन सा ज्यादातर अफेक्ट होता है, तो आंसर क्या होगा, माइट्रल वाल्व। सर। समझ गए? यहां तक समझ गए क्या? चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर कौन सा एज ग्रुप में ज्यादातर होगा, तो आंसर क्या होता है, 5 to 15 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन। समझ गए? 5 to 15 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन आर मोस्ट अफेक्टेड, चिल्ड्रेन आर मोर, और ये बोल सकते हो कि हाईएस्ट रिस्क होता है, हाईर रिस्क या हाईएस्ट रिस्क होता है, 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं आर हाईएस्ट रिस्क, हाईएस्ट रिस्क। समझ गए? तो रिमैटिक फीवर एंड रिमैटिक हार्ट डिजीज के लिए अगर एज ग्रुप के रिगार्डिंग पूछ लिया कि कौन सा एज ग्रुप ज्यादातर क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं विथ रिमैटिक फीवर एंड रिमैटिक हार्ट डिजीज, तो आंसर क्या होगा, 5 से 15 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं। समझ गए? अभी नेक्स्ट बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिमैटिक हार्ट डिजीज या रिमैटिक फीवर जो होता है वो किसके वजह से होता है, ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली रोमैटिक फीवर कराता है, तो आंसर क्या होगा, GABHS, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स और कॉजेस द रोमैटिक फीवर, तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, GABHS, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। क्या होगा, GABHS मतलब क्या, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। समझ गए क्या? हाँ या ना बोल दो। यस यस सर। तो हाँ मैंने सर। बोला, हाँ तो मैंने ये बोला कि जो ऑर्गेनिज्म बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर कराता है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वो क्या होगा, GABHS या ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। समझ गए? और ये ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि
कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ज्यादातर रिमाटिक फीवर कराता है, तो आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, याद रख लेना। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म या मोस्ट कॉमन जीएबीएचएस, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन जीएबीएचएस विच कॉजेस रिमाटिक फीवर एंड रिमाटिक हार्ट डिजीज इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, आंसर याद रख लेना। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से फिर रिमाटिक हार्ट डिजीज कैसे होता है वो बात करते हैं। पहले स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस क्या कराता है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है। जैसे ही हमारा बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस गया, इनहेल कर लिए, खा लिए, तो वो जाएगा किधर, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, बेसिकली मोस्ट कॉमनली पहले वो अफेक्ट करता है, याद रखना। जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हमारा बॉडी के अंदर एंट्री किया तो वो कहां पर अफेक्ट करता, पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसके वजह से क्या होगा, यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। अभी तक रिमाटिक हार्ट डिजीज डेवलप नहीं हुआ, कैसे होता है, सीक्वेंस में बात कर रहे हैं हम लोग। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, समझ गए, यूआरटीआई मतलब क्या, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, और ये कौन कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, इज इट क्लियर। जीएबीएचएस का जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्ट कॉमन जीएबीएचएस, वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, बॉडी के अंदर एंट्री किया, हुआ क्या, यूआरटीआई, जिसे हम अदरवाइज बोल सकते हैं स्ट्रेप थ्रोट, इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है ना, स्ट्रेप थ्रोट बोल सकते हो। इसलिए कभी कभी रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज के जो पेशेंट अफेक्ट होके आते हैं, डायग्नोस वाला केसेस आते हैं, उनका हिस्ट्री लिया जाता है कि भाई तुम्हारे पहले कभी स्ट्रेप थ्रोट हुआ था क्या, समझ गए क्या, कभी तुम्हें यूआरटीआई हुआ था क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी फेरिंजाइटिस हुआ था क्या, इसे पूछा जाता है, क्योंकि अगर हिस्ट्री है यूआरटीआई का तो चांसेस है कि आगे जाके रिमाटिक फीवर, रिमाटिक हार्ट डिजीज हो जाए, समझ गए। यूआरटीआई का हिस्ट्री ज्यादातर रहता है जो रिमाटिक फीवर या रिमाटिक हार्ट डिजीज में जो पेशेंट आते हैं, इसलिए स्ट्रेप थ्रोट यहाँ पे अगर अनट्रीटेड रहा, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं किए, तो फिर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है वो बढ़ता जाएगा और इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा। अगर ये लेफ्ट अनट्रीटेड फॉर 2 से 6 हफ्ते तक हमने अगर ट्रीटमेंट इसका नहीं किए और माइक्रोऑर्गेनिज्म एंट्री किया, 2 to 6 weeks तक हमने इसका क्या नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, याद रखना, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड फॉर 2 to 6 weeks, अगर 2 से 6 हफ्ते तक हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो एंट्री के बाद साइन सिम्टम दिखा लेगा और वो डेवलप होगा किसमें, रूमेटिक फीवर में, रूमेटिक फीवर डेवलप होगा, समझ रही हो, हाँ या ना बोल दो, मैंने क्या बोला, यस सर। एक ऑर्गेनिज्म है, नाम है जीएबीएचएस, एक ग्रुप है, जीएबीएचएस एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, नाम है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये क्या क्या हमारा बॉडी के अंदर एंट्री किया, पहले क्या क्या, URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके वजह से क्या हुआ, स्ट्रेप थ्रोट हुआ, और उसके बाद स्ट्रेप थ्रोट को हमने 2 से 6 हफ्ते तक अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किए तो साइन सिम्टम दिखाता है, क्या हो जाएगा, रूमेटिक फीवर, ठीक है। अभी ये रूमेटिक फीवर को अगर हमने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किए तो बाद में डेवलप होगा क्या, रूमेटिक हार्ट डिजीज, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रूमेटिक फीवर, इज इट क्लियर, हाँ या ना बोल दो, यस सर। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या, कब कौन सा पहले आता है, उसके बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट ना होने पर क्या डेवलपमेंट होता है, क्या समझ में आ गया सारा चीज, यस सर। अभी थोड़ा सा और जानकारी और डिटेल में बात करते हैं, एक्चुअल में कैसे ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, कैसे हमारा बॉडी का एंटीबॉडी जो है वो कैसे अटैक करता है, वो सारे चीज अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे, आज बहुत सारा एमसीक्यूज है सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी रिगार्डिंग कि ये जो रूमेटिक फीवर है वो कैसे डेवलपमेंट होता है। मैंने बोला कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है तो हमारा बॉडी के अंदर पहले एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एंटीजन छोड़ता है, ठीक है ना,
जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हमारा बॉडी के अंदर आया, छोड़ा एक पर्टिकुलर एंटीजन, नाम है क्या? स्ट्रेप्टोलाइसिन। नाम क्या है? स्ट्रेप्टोलाइसिन। स्ट्रेप्टोलाइसिन, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी एंटीजन हमारा बॉडी के अंदर, मान लो ये बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस गया, अंदर गया, छोड़ा क्या एंटीजन? स्ट्रेप्टोलाइसिन। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। यस सर। यस सर। तो ये एंटीजन जैसे ही हमारा बॉडी के अंदर गया, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी डेवलप करेगा इसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी। हाँ या ना बोलो। समझ गए क्या? Yes, अभी हमारा बॉडी का रेस्पॉन्स क्या होगा? बॉडी रेस्पॉन्स क्या होगा? बॉडी रेस्पॉन्स क्या होगा? बॉडी डेवलप करेगा, विल बिल्ड और जनरेट या फिर सिंथेसाइज करेगा कुछ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन स्ट्रेप्टोलाइसिन। समझ गए क्या? जिसे हम बोलते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन बोल सकते हो या एसओ बोल सकते हो, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर देखा जाता है। तो आगे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग दिस कि कैसे डायग्नोसिस होता है इसका। बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? एंटीबॉडी जनरेट करना, एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट अगेंस्ट क्या बताओ? स्ट्रेप्टोलाइसिन। तो मैंने क्या बोला, बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंट्री किया, राइट? ये कौन सा है कैटेगरी के आते हैं? ये है GABHS ग्रुप में बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंट्री किया, छोड़ा क्या एंटीजन। तो एंटीजन का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोलाइसिन, ठीक है ना। तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे एंटीजन हमारा बॉडी के अंदर एंट्री किया, एंटीबॉडी डेवलप हुआ, एंटीबॉडी क्या है? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन। समझ गए? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ डेवलप हुआ। समझ गए? हाँ ना बोल दो। यस सर। चलो, अब ये एंटीबॉडी जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, सिंथेसाइज हुआ, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा? हमारा एंटीजन को अटैक करेगा। समझ गए? तो इसे क्या बोल देंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये एंटीजन के साथ जुड़ गया एंटीजन, हाँ या ना, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जुड़ गया, तो इसे क्या बोल देंगे? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। समझ गए? तब ये जुड़ गया, समझ गए? मान लो ये एंटीजन है, समझ गए, ये एक एंटीजन है वायरस का, तो एंटीबॉडी क्या करेगा? ऐसे वाई सेप्ट एंटीबॉडी जाके यहाँ पर अटैक कर लेंगे ये एंटीजन को हर तरफ से, ठीक है ना। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। तो बीच में आता है एंटीजन और ये वाई सेप्ट जो होते हैं, ये वाई सेप्ट है एंटीबॉडी, ये सारे अटैक कर लिए एंटीजन को। अभी एंटीजन क्या हुआ? न्यूट्रलाइज हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन एक प्रोटीन है। ये एंटीजन क्या होता है बताओ? प्रोटीन है। प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो एंटीजन का प्रोटीन है, कभी कभी इट्स सिमिलर टू बॉडी प्रोटीन। हमारा बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ये सिमिलर होता है। समझ गए? तो ये एंटीजन इट्स वेरी सिमिलर टू द बॉडी प्रोटीन। समझ गए? इसीलिए क्या होता है कि जो एंटीबॉडी सिंथेसिस हुआ किसके अगेंस्ट? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट, वो जाके बॉडी प्रोटीन को भी अटैक कर लेता है। समझ गए क्या? बॉडी को अटैक कर लेता है। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मिमिक्री। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन से एक ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का एक ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, छोड़ा क्या बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद एंटीजन छोड़ा। अभी एंटीजन क्या नाम है? स्ट्रेप्टोलाइसिन है। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन क्या किया? बॉडी के अंदर गया, जाने के बाद बॉडी का रिस्पॉन्स हुआ एंटीबॉडी बनाना, तो एंटीबॉडी जैसे ही बना एंटीजन को जकड़ लिया, एंटीजन के साथ मिक्स हो गया, अभी क्या बना? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, राइट? अब ये एंटीजन एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी बना था अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोलाइसिन, ये एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजन को तो बाइंड करता है, साथ में बॉडी का भी जो सिमिलर प्रोटीन्स होते हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू एंटीजन, वो बॉडी का जो प्रोटीन्स होते हैं उसे अटैक कर लिया, राइट? तो ये बॉडी का प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर हुआ, मैंने बोला ज्वाइंट के अंदर हुआ, CNS के अंदर, वो सारे अटैक हो गए। अटैक होने पर वहां पे सारे इन्फ्लामेशन शुरू हुआ, समझ गए? तो वहां पे क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हुआ। तो ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो सिमिलर बॉडी प्रोटीन्स या फिर बॉडी का जो बॉडी को अटैक कर लिया एंटीबॉडी, तो इसके वजह से क्या क्या ऑर्गन्स अफेक्ट हुए? एक हो गया हार्ट, बोला था मैंने। नंबर टू ज्वाइंट अफेक्ट हुआ, राइट? नंबर थर्ड और क्या अफेक्ट होता है? CNS हमारा अफेक्ट होता है, ब्लड वेसल अफेक्ट होता है, हाँ या ना। नंबर फाइव द
स्किन अफेक्ट होता है। तो ये सारे अफेक्ट हो जाते हैं जैसे ही एंटीबॉडी हमारा बॉडी का सेम टाइप का प्रोटीन को अटैक कर लिया। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे ये यहां पर अटैक हुआ तो शुरू क्या होगा? इंफ्लामेटरी प्रोसेस, इंफ्लामेशन। तो इंफ्लामेशन कहां कहां पर होगा? इंफ्लामेशन होगा हार्ट के अंदर, इंफ्लामेशन होगा जॉइंट के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल, स्किन, हर जगह पे इंफ्लामेशन होगा। क्यों? एंटीबॉडी अटैक कर रहे हैं। समझ गए क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर। तो अगर इंफ्लामेशन हार्ट के अंदर हुआ तो क्या बोलेंगे? नाम बता दो। इंफ्लामेशन ऑफ द हार्ट क्या बोलेंगे? इंफ्लामेशन ऑफ हार्ट क्या बोल देंगे? हार्ट के अंदर इंफ्लामेशन हुआ तो क्या बोल देंगे? कार्डाइटिस बोल देंगे, कार्डाइटिस। ठीक है ना? कार्डाइटिस। तो कार्डाइटिस मतलब क्या? इंफ्लामेशन ऑफ द हार्ट। अगर मान लो इंफ्लामेशन ऑफ द हार्ट हुआ, सारे लेयर्स, ऑल थ्री लेयर्स अफेक्ट हो गए। इंफ्लामेशन ऑफ द हार्ट वेयर ऑल थ्री लेयर्स आर इन्वॉल्व। अगर सारे लेयर्स जो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम होता है, तीनों लेयर अगर अफेक्ट हो गए, इंफ्लामेशन हो गया, ऑल थ्री लेयर्स आर इन्वॉल्व, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पैनकार्डाइटिस। क्या बोलेंगे? पैनकार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस। तो मैंने बोला कि जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब एंटीजन स्ट्रेप्टोलाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोकोकस से एंटीबॉडी हमारा बॉडी बनाता है, एंटीजन को मारने के चक्कर में ये हमारा बॉडी का टिश्यू को अटैक कर लेता है, हार्ट इसमें क्या हो जाता है? हार्ट अफेक्ट हो जाता है, हार्ट के ऊपर एंटीबॉडी आके अफेक्ट मतलब अटैक कर लेते हैं और इसके वजह से इन्फ्लामेशन शुरू हो गया हार्ट के अंदर, बोल देंगे क्या? कार्डाइटिस। अगर तीनों लेयर अफेक्ट हो गए तो बोल देंगे पैनकार्डाइटिस। समझ गए? समझ गए क्या? चलो अगर मान लो रिपीटेडली रिमैटिक फीवर हुआ, अगर रिपीटेड रिमैटिक फीवर हुआ तो इसमें क्या आता है? हार्ट अफेक्ट होता है और ज्यादातर क्या होगा? डैमेज होगा वाल्व्स। ठीक है ना? डैमेज किसको होगा? वाल्व को होगा। समझ गए? वाल्व जैसे डैमेज होता है, कौन सा होता है? बेसिकली माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व ज्यादातर अफेक्ट होता है, इसे क्या बोल देंगे? आरएसडी बोल देंगे, रिमैटिक हार्ट डिजीज। समझ गए? तो रिमैटिक हार्ट डिजीज में अगर क्वेश्चन पूछा कि कौन सा वाल्व ज्यादातर अफेक्ट होता है, आंसर क्या होगा? माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व। जैसे ही माइट्रल वाल्व अफेक्ट हुआ तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये हमारा चार चैंबर्स है, माइट्रल वाल्व इधर है, ठीक है ना? तो माइट्रल वाल्व क्या होगा? नैरो हो जाएगा, आई मीन सॉरी वाल्व काम नहीं करेगा, तो ये क्लोज नहीं होगा, क्या रहेगा? ओपन रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है ना? तो ये जैसे हमारा वेंट्रिकल्स क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है, तो ये वेंट्रिक मतलब उस टाइम पे क्या होना चाहिए? माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए, बट दिस विल रिमेन ओपन। ये क्या रहेगा? ओपन रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा? ब्लड तो जाएगा आयोटा के अंदर, साथ में ये जाएगा बैक फ्लो होके किधर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? माइट्रल रिगर्जिटेशन। इसे क्या बोलेंगे? माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आ गया वो क्या है रिमैटिक फीवर का, वो है रिमैटिक हार्ट डिजीज का, वो है माइट्रल रिगर्जिटेशन। समझ गए? ये हमें सुनाई देगा, इसे हम बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो माइट्रल रिगर्जिटेशन के मतलब अंदर बोल सकते हो कि ये हो सकता है सिस्टोलिक मर्मर, पान सिस्टोलिक मर्मर बोल सकते हो, पान सिस्टोलिक मर्मर बोल सकते हो। ये हमें ऑस्कल्टेशन करने पर सुनाई देगा। तो मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला कि रिपीटेडली रिमैटिक फीवर होने पर डैमेज क्या होता है? वाल्व डैमेज होता है, ज्यादातर माइट्रल वाल्व। तो माइट्रल वाल्व अगर डैमेज हो गया तो ये क्या नहीं होगा? क्लोज नहीं होगा अच्छे से। अगर क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा? बैक फ्लो होगा, कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा किधर? उल्टा डायरेक्शन में, लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ओपन रह गया है ना? तो इसे क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन। अगर हम ऑस्कल्टेशन करें तो ये एक मर्मर सुनाई देगा, इसे बोलते हैं क्या? पैन सिस्टोलिक मर्मर। समझ गए? क्या बोलेंगे जल्दी बता दो? पैन सिस्टोलिक मर्मर। वेरी गुड। अदरवाइज इसको बोलते हैं होलोसिस्टिक मर्मर। पैन सिस्टोलिक मर्मर का दूसरा एक नाम है, नाम है होलोसिस्टिक। समझ गए? क्या बोलेंगे? होलोसिस्टोलिक, होलोसिस्टिक, सिस्टोलिक, ठीक है ना? होलोसिस्टोलिक मर्मर बोल देंगे। तो मैंने क्या बोला, क्या हुआ यहाँ पे, सिक्वेंस बताओ। यहाँ पे ये हुआ कि बेसिकली माइट्रल वाल्व डैमेज हो गया, माइट्रल वाल्व डैमेज, ठीक है ना? माइट्रल वाल्व जैसे ही डैमेज हुआ, इट विल रिमेन ओपन,
ओपन होने पर दिस विल अलाउ द बैक फ्लो, दिस विल अलाउ बैक फ्लो फ्रॉम, जल्दी बताओ कहां से कहां तक, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन. क्या बोलेंगे? रिगर्जिटेशन. रिगर्जिटेशन, समझ गए? अब ये माइट्रल रिगर्जिटेशन होने पर जब हम ऑस्कल्टेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे तब हमें क्या सुनाई देगा? मर्मर सुनाई देगा. समझ गए? क्या बोलेंगे इसका नाम क्या है बताओ? पैनसिस्टोलिक मर्मर. पैनसिस्टोलिक मर्मर. पैनसिस्टोलिक मर्मर. वेरी गुड. पैनसिस्टोलिक मर्मर बोलेंगे. समझ गए? या फिर इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज, ये बोल सकते हो होलोसिस्टोलिक. होलोसिस्टोलिक. सिस्टोलिक. होलोसिस्टोलिक. ठीक है ना? मर्मर बोल सकते हो. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर. यस सर. चलो और थोड़ा सा पिक्चर के साथ इसको समझते हैं. तो मैंने बोला कि जैसे ही ये माइट्रल वाल्व जो है ना, ये मान लो हमारा आयोटा है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के जा वेंट्रिकल से गया है बाहर, तो ये हो गया हमारा माइट्रल वाल्व. समझ गए? ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट. अभी ये हो गया हमारा आयोटा. ठीक है ना? आयोटा हो गया. ये हो गया हमारा मान लो क्या बताओ? पल्मोनरी वेंस. ठीक है ना? गया किधर? ये गया हमारा लंग्स के अंदर. लंग्स. ठीक है ना? ये हो गया हमारा लंग्स. इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना? बोल दो. यस सर. यस सर. चलो, तो मैंने बोला माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है. तो माइट्रल रिगर्जिटेशन मतलब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कंट्रैक्ट होता है ना ड्यूरिंग सिस्टोल, तो वो क्या होगा कि ब्लड जाएगा किधर? पहले तो आयोटा के अंदर जाएगा, है या ना? लेकिन प्रॉब्लम ये कहता है कि ये जो माइट्रल वाल्व होता है ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा, ये क्या रह जाएगा? ओपन रह जाएगा. ओपन होने पर क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जाएगा. दिस इज कॉल्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन. समझ गए? तो हो गया हमारा माइट्रल वाल्व क्या होता है? ओपन रहता है, बोलेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन. लेकिन और एक प्रॉब्लम क्या आता है बताओ इसमें? यहाँ पे पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में कोई वाल्व है नहीं. नो वाल्व. यहाँ पर क्या नहीं है? कोई वाल्व नहीं है. तो इसकी वजह से क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम से जो रिगर्जिटेट होके आया है ब्लड, वो उधर उल्टा डायरेक्शन में जाएगा. किधर? लंग्स के अंदर. किधर जाएगा? लंग्स के अंदर. समझ गए? अभी लंग्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा? जाएगा तो क्या होगा? दिस विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा. पल्मोनरी एडिमा. पल्मोनरी एडिमा होगा. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? हाँ या ना बोल दो. यस सर. क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझने के लिए कोशिश करो. समझ गए? यस सर. चलो. यस सर. और एक दोबारा फिर समझते हैं. मैंने क्या बोला? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस या ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, पूरा शुरुआत से एंड तक मैं यहाँ पे बताऊंगा. GABHS ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है. बॉडी के अंदर एंट्री किया, मोस्ट कॉमनली कौन सा GABHS अटैक करता है बताओ? मोस्ट कॉमन GABHS स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस. ठीक है ना? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस छोड़ता है एक एंटीजन है, तो वो एंटीजन का नाम क्या बताओ? स्ट्रेप्टोलाइसिन. ठीक है ना? स्ट्रेप्टोलाइसिन छोड़ता है. तो ये स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या बनाता है? बॉडी का रिस्पॉन्स क्या रहता है बताओ? बॉडी छोड़ेगा एंटीबॉडी. कौन सा एंटीबॉडी? एंटीबॉडी. ठीक है ना? इसका नाम क्या है? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन. ठीक है ना? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन. एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ. समझ गए? ये बॉडी हमारा छोड़ा, तभी ये क्या बनेगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है? बॉडी कॉम्प्लेक्स. तो ये एंटीबॉडी क्या करता है? बाइंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी के साथ. ये से बाइंड होके ये बन जाएगा न्यूट्रल. ये हो जाएगा न्यूट्रल. लेकिन मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से, मॉलिक्यूलर मिमिक्री जहां पर ये अटैक कर लेता है, क्या अटैक करता है? हमारा ओन टिश्यू को. ओन टिश्यू क्या होते हैं? अटैक हो जाते हैं. हाँ ना? बोल दो. यस सर. इसके वजह से क्या होगा? ऑटोइम्यून डिजीज. ऑटोइम्यून डिजीज होगा. समझ गए? ज्यादातर क्या क्या अफेक्ट होते हैं? नंबर वन हार्ट, मैंने बोला हार्ट. ठीक है ना? नंबर टू क्या अफेक्ट होते हैं? जॉइंट्स. ठीक है ना? नंबर थर्ड क्या अफेक्ट होते हैं? ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या अफेक्ट होते हैं? जल्दी बताओ. नंबर फोर क्या होता है? सीएनएस होता है. नंबर फाइव स्किन.
ठीक है ना, ये सारा इफेक्ट हो गए, बोल दिए क्या ऑटो इम्यून डिजीज बोल दिए। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे ही एंटीबॉडी अटैक हुआ यहाँ पे सारे इन्फ्लामेशन शुरू, हाँ या ना, हर जगह पे इन्फ्लामेशन होगा, कहाँ कहाँ पर, हार्ट में इन्फ्लामेशन होगा, जॉइंट में होगा, ब्लड वेसल, देन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हर जगह पे होगा। और इन्फ्लामेशन का एक कार्डिनल साइन क्या है, फीवर होना, फीवर, ठीक है ना। तो फीवर हो जाएगा हमारा बॉडी के अंदर हर जगह पे, नंबर टू और क्या होगा, टिश्यू डैमेज, समझ गए, हाँ या ना, बोल दो। यस सर। चलो अभी और एक चीज यहाँ पे समझते हैं रिगार्डिंग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के रिगार्डिंग मैंने क्या बोलना है यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट कि हमें कैसे पता लगाना है कि एक ग्रुप में बीटा हेमोलाइट स्ट्रेप्टोकोकस का स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन जो है इसका इन्फेक्शन हमारा बॉडी के अंदर है, तो कैसे पता लगा सकते हैं बताओ, क्या कैसे हमारा डायग्नोसिस रहेगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन हमारा बॉडी के अंदर है, तो कैसे पता चलेगा? एंटीबॉडी, हमारे पास ना दो तरीका है, क्या तरीका, एक है हम एंटीजन को देख सकते हैं, कौन सा एंटीजन, स्ट्रेप्टोलाइसिन को, स्ट्रेप्टोलाइसिन, वेरी गुड। दूसरा डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, समझ गए, कल्चर करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या, तो कल्चर तो हमें बताया कितना दिन में आता है, 3 दिन के बाद, 72 आवर्स, ठीक है ना। तो ये टाइम एक क्रूशियल रहेगा, थोड़ी ना हम वेट करेंगे 7 दिन, मतलब 72 आवर्स तक, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, इमीडिएट, इंस्टेंट चाहिए रिजल्ट, ये है या नहीं पहले बता दो, उसके बाद तो हम शुरुआत करेंगे क्या, एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे, एंटीबायोटिक्स, समझ गए। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स है या नहीं पता लगाने के लिए, जल्दी पता लगाने के लिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिनो या फिर इसे बोलते हैं एसोटाइटर, क्या देखेंगे, एसोटाइटर, समझ गए। तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ यहाँ पर क्या है, एक एंटीबॉडी है, समझ गए क्या, एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी है। अगर मान लो अगर मान लो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का इन्फेक्टेड बॉडी है नहीं, मान लो ये हेल्दी ह्यूमन है, तो हेल्दी बॉडी में क्या एसओ होगा, नहीं होगा, समझ गए क्या, ये नहीं होगा, समझ गए। अगर मान लो किसी का रूमेटिक फीवर हुआ है, समझ गए, रूमेटिक फीवर होने पर क्या होगा, ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ डेफिनेटली होगा, क्यों होगा बताओ, क्योंकि ये एंटीजन के अगेंस्ट बनता है, कौन सा एंटीजन, स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन। अगर मेरे बॉडी के अंदर, मान लो मेरे बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन एंट्री किया, तो ये तो डेफिनेटली क्या छोड़ेगा, एंटीजन छोड़ेगा, राइट, हाँ या ना, बोलो कौन सा एंटीजन, स्ट्रेप्टोलाइसिन, ये छोड़ेगा, और मेरा बॉडी बनाएगा क्या, एसओ बनाएगा, समझ गए, एसओ का जो अमाउंट है, लेवल है, वो बढ़ता जाएगा, हाँ या ना, समझ गए। अगर मैं एसओ पता लगा लूं, तो फिर डेफिनेटली मैं बता दूंगा एसओ है मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन है, एसओ है मतलब क्या है बताओ, एसओ है मतलब स्ट्रेप्टोलाइसिन है, समझ गया, समझ गया क्या, स्ट्रेप्टोलाइसिन है, और स्ट्रेप्टोलाइसिन है मतलब क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन है, समझ गए। तो यही एक इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड क्या, हमें पता लगाना एसओ है या नहीं, अगर एसओ है इसका मतलब स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीजन है, और इसका मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन है, समझ गए क्या, यस सर, यस सर, यही एक मेथड है, एसओ टाइटर से हमें पता लगा, मतलब पता लगाना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, जब हमारा आर्थराइटिस का अगर मतलब अगर कोई आर्थराइटिस से अफेक्टेड है, डायग्नोसिस है, उसका एसओ टाइटर देखा जाता है जानने के लिए क्या रिमाटिक फैक्टर है या नहीं, राइट। चलो एनीवे, सो यहाँ पे सारे जो चीज मैंने बताया क्या समझ में आ गया सवाल, यस सर समझ में आ गया। तो चलो आगे बात करेंगे रिगार्डिंग कि रूमेटिक फीवर अगर है तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, और हमें यहाँ पर अगर रूमेटिक फीवर है तो असेसमेंट हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है रिगार्डिंग कि कैसे हमें डायग्नोसिस करना है रूमेटिक फीवर को, तो नंबर वन जो सिस्टम आता है या फिर क्राइटेरिया आता है जिसे बोलते हैं डकेट जोन्स क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया को फॉलो करके हम डायग्नोसिस करा सकते हैं रिमाटिक फीवर को। मैं बताऊंगा कि डकेट जोन्स क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, इसमें कैसे हमें रिमाटिक फीवर या रिमाटिक हार्ट डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है ना। चलो रिगार्डिंग थोड़ा सा हमें और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्या क्या पता चलेगा, अगर मान लो कोई पेशेंट है जो कि रिमाटिक फीवर से अफेक्टेड हुआ तो क्या पता चलेगा, मैंने बोला
फीवर एक आएगा ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, हमें पता चलेगा दिस विल बी अ काइंड ऑफ लो ग्रेड फीवर, समझ गए, जो कि बेसिकली कब आता है, लेट लेट आफ्टरनून में ज्यादातर क्या होता है, एक स्पाइक आता है, ज्यादातर आएगा लो ग्रेड फीवर का एक स्पाइक आएगा कहां पर, लेफ्ट लेट आफ्टरनून के दौरान। हमें हाई लेवल मिलेगा किसका, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर का, या बोल सकते हो क्या एसओ टाइटर यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा, और हर इंफ्लामेशन में हमें बताया क्या ESR लेवल बढ़ेगा साथ में सीआरपी, समझ रही हो। तो क्या क्या हमें पता चला यहाँ पे, अगर डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस के लिए हमें क्या क्या लैब टेस्ट करना पड़ेगा, मैंने बोला नंबर वन क्या है एसओ टाइटर, नंबर टू इंफ्लामेशन के लिए पड़ेगा, नंबर ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन हमें क्या पता चलेगा भाई, एक तो फीवर पता चलेगा ठीक है ना, और फीवर ज्यादातर क्या होता है लो ग्रेड होता है लेटर ठीक है ना, और लो ग्रेड फीवर कब आएगा लेट आफ्टर, लेट आफ्टरनून, समझ गए, ये वाला हो गया हमारा यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। हाँ, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में मैंने एक चीज बताया कि एक सिस्टम होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है, कि डकेट जोन्स क्राइटेरिया को फॉलो करना था, ये फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर हमें मिला तो हमें पता चलेगा कि ये रिमाटिक फीवर है, तो जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं टू डायग्नोस द रिमाटिक फीवर नाम है क्या, डकेट जोन्स क्राइटेरिया, या सिंपली बोल सकते हो जोन्स क्राइटेरिया, क्या बोल सकते हो जोन्स क्राइटेरिया, डकेट जोन्स क्राइटेरिया, आगे मैं बताऊंगा जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारे चीज बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम हार्ट के अंदर इंफ्लामेशन होता है तो वो प्रॉब्लम क्या आता है कि वहां पे इंफ्लामेशन के वजह से एक पर्टिकुलर नोड्यूल जैसा बन जाता है, वो नोड्यूल का या लेजन बोल सकते हो, टिश्यू इन्फ्लामेशन के वजह से क्या बनता है, आस्कॉप बॉडी उसे बोलते हैं, जो इन्फ्लामेटरी लेजन बनता है कहां पर, हार्ट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं आस्कॉप बॉडी, कहां पर आस्कॉप बॉडी, आस्कॉप बॉडी हार्ट के अंदर, उसके बाद कहां पर पाया जाएगा, ब्लड वेसल, ब्रेन में भी पाया जाता है, द सरफेस ऑफ द जॉइंट एंड प्लूरा ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर कहां पे मिलेगा, हार्ट के अंदर ठीक है। चलो आस्कॉप बॉडी के रिगार्डिंग, तो ये अगर हम क्या करें, बायोप्सी लेके आस्का बॉडी का जहां पे स्किन लेजन है, कनेक्टिव टिश्यू का लेजन है, हार्ट के अंदर हो या ब्रेन के अंदर हो, तो वहां पे अगर देखें तो आस्का बॉडी कुछ इस तरह का दिखेगा हमें, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा जो सेल्स हैं तो एक ही जगह पे वो गैदर हो गए हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, एक जगह पे बहुत सारा सेल्स तुम्हें मिलेगा, दिस इज कॉल्ड आस्का बॉडी, इसे क्या बोलते हैं आस्का बॉडी, आस्का बॉडी ठीक है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आस्कॉप बॉडी वाला फीचर है ना वो कौन सा डिजीज में आता है, तो आंसर क्या होगा रिमैटिक फीवर एंड रिमैटिक हार्ट डिजीज, ठीक है ना, दोनों में तुम्हें ये आस्कॉप बॉडी मिलेगा ठीक है ना। थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, सिर्फ आस्कॉप बॉडी को हम जूम करके देखते हैं, आस्कॉप बॉडी के अंदर क्या मिलेगा, हार्ट के अंदर से निकाल के ये टिश्यू लेके आए, देख रहे हैं यहाँ पे कार्डियक मायो मतलब फाइबर्स देख सकते हो, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, आस्कॉप बॉडी को जूम करके देख रहे हैं, इधर देखने पर तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट टाइप का सेल्स मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो सेल्स में यहाँ पे बताऊंगा। नंबर वन है, एक तो मैक्रोफेज मिलेगा यहाँ पे, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं एनगल्फ करके ठीक है ना। यहाँ पे ये मैक्रोफेज के अंदर क्या मिलेगा, मैक्रोफेजेस के अंदर एक पर्टिकुलर फीचर मिलेगा, क्या फीचर है, कैटरपिलर लाइक फीचर मिलेगा, सारे मैक्रोफेजेस का जो शेप होगा वो किस टाइप का होगा, कैटरपिलर टाइप, कैटरपिलर ठीक है ना। तो ये ओवलाई लाइक न्यूक्लियाई होगा इनके अंदर, इसे बोलते हैं एंटीस्क्यू सेल्स, क्या बोलते हैं इसको, एंटीस्क्यू सेल्स, एंटीस्क्यू सेल्स, ये एंटीस्क्यू सेल्स जो है वो कैटरपिलर शेप का होते हैं, एक तो मैक्रोफेजेस मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, एक कैटरपिलर लाइक सेल मिलेगा या ओवलाई लाइक सेल मिलेगा जिसे बोलते हैं एंटीस्क्यू सेल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओवलाई अपीयरेंस जो है ना, वो ओवलाई सेल ज्यादातर हम पढ़े हैं हॉजकिंस लिम्फोमा में, अगर ओवल आई वाला दिखेगा सेल तो हॉजकिंस लिम्फोमा, पॉपकॉर्न सेल्स, ये सारे हॉजकिंस लिम्फोमा में दिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे और सेल्स तुम्हें मिलता है क्या, कौन सा टाइप का सेल, बोलते हैं कैटरपिलर लाइक सेल या फिर ओवल आई लाइक सेल, ये तुम्हें मिलेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं एंटीस्क्यू सेल्स, क्या बोलते हैं एंटीस्क्यू सेल का दो फीचर है, क्या बोला मैंने एंटीस्क्यू सेल का, एक आइदर क्या होगा ओवल आई जैसा और दूसरा कैटरपिलर जैसा, मैं दिखाता हूँ पीछे यहाँ पे आउलाई, देखो आउलाई को देखो कैसे गोलाकार है, बीच में क्या, बीच में और एक गोल है, इसे बोलते हैं आउलाई, समझ गए, और कैटरपिलर शेप का यहाँ पे देख सकते हो, कैटरपिलर लाइक न्यूक्ली यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं,
देख रहे हो, ये सेल जो है इसके अंदर लग रहा है जैसे कोई कैटरपिलर है, ये वाला कैटरपिलर का पिक्चर देख सकते हो, कैटरपिलर जैसा तुम्हें ये न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा जो कि सेल के अंदर है न्यूक्लियस, समझ गए। तो और एक सेल तुम्हें मिलेगा ओवलाई जैसा, यहाँ पे देख सकते हो गोलाकार ओवलाई जैसा दिख रहा है एक सेल पर्टिकुलरली जो कि ओवलाई जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का बेसिकली सेल्स मिलता है जिसे हम बोलते हैं एंटीस्क्यू सेल। तो एंटीस्क्यू सेल कितना टाइप का है, दो तरह का, क्या एक एक कैटरपिलर लाइक न्यूक्लियस जिसके अंदर होगा और दूसरा ओवलाई लाइक न्यूक्लियस, ठीक है ना, दो दो तरह का हमें मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन बात यह है दो तरह का मतलब कैसे, ये एक्चुअल में एक ही टाइप का सेल है, ठीक है ना, एक ही सेल है। इसमें क्या किया गया है मैं बताता हूं। अगर मान लो अगर हमने क्या किया, एक सेल है ऐसा, सेल को हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन कर दिया, तो क्रॉस सेक्शन करने पर कैसे दिखेगा, ओवलाई जैसा, ठीक है ना। मान लो ये कैटरपिलर है, कैटरपिलर को हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन कर दिया तो कैसे दिखेगा, ओवलाई जैसा दिखेगा, ओवलाई। अगर लंबा मतलब मान लो कैसे मैं बताऊं इसको, तो मान लो ये वाला एक बड़ा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है जो कि कैटरपिलर जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। इसको अगर हम क्या करिए कि ऐसे क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किए तो कैसे दिखेगा भाई, ये सेल ऐसा दिखेगा कैटरपिलर जैसा, कैटरपिलर जैसा दिखेगा, हाँ या ना, ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर हमने इसको क्रॉस सेक्शन कर दिया, क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसे, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन किया तो कैसे दिखेगा, सेल तो ऐसा होगा या आउटलाइन जैसा दिखेगा, आउटलाइन जैसा, समझ गए। अगर इसे क्या बोल देंगे, दिस कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, समझ गए। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किए तो कैसे दिखेगा, कैटरपिलर जैसा। तो एंटीस्क्यू सेल दो तरह का दिखेगा, किस तरह का दिखेगा, एक है कैटरपिलर जैसा और दूसरा कैसे दिखेगा, आउटलाइन जैसा। लेकिन ये क्या है बताओ, हमने अगर क्रॉस सेक्शन किया तो ओवलाई, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया तो कैटरपिलर, समझ गए, हाँ या ना बोल दो। यस सर, यस सर, इसको क्या बोलते हैं, एंटीस्क्यू सेल। तो एंटीस्क्यू सेल कैसे बना, ये बना मैक्रोफेजेस से। फिर दोबारा चलते हैं शुरुआत से, इतना हमें समझ में आ गया, चलो समेट लेते हैं, जितना इंफॉर्मेशन हमें पता चला वो सारे समेट लेते हैं। क्या है, एक है मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस जैसे ही कहां पर मिलेगा, जो हमने एस्कॉप बॉडी के अंदर बात की थी, मैक्रोफेजेस मिलता है। तो मैक्रोफेजेस बेसिकली क्या होता है बताओ, एंटीस्क्यू सेल है, समझ गए, एंटीस्क्यू सेल है। तो ये एंटीस्क्यू सेल को हम अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किए तो कैसे दिखेगा, कैटरपिलर जैसा, समझ गए, कैटरपिलर न्यूक्लियस दिखेगा, हाँ या ना बोल दो। अगर हमने इसको किया क्रॉस सेक्शन किया, अगर क्रॉस सेक्शन किया तो कैसे दिखेगा, आउलाई जैसा, हाँ या ना बोल दो, समझ गए क्या। यस सर, चलो। तो ये हमें एंटीस्क्यू सेल जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कहां पर मिलेगा, ये सारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो सारे एस्कॉप बॉडी के अंदर मिलेगा, एस्कॉप बॉडी। और एस्कॉप बॉडी कैसे बना, वो इन्फ्लामेशन की वजह से, समझ गए, ऑटोइम्यून इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ एस्कॉप बॉडी। और एस्कॉप बॉडी के अंदर क्या मिला, मैक्रोफेजेस मिला जिसे हम बोलते हैं एंटीस्क्यू सेल। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किए तो कैटरपिलर न्यूक्ली मिलेगा, क्रॉस सेक्शन किए तो आउलाई जैसा, आउलाई जैसा, समझ गए, हाँ या ना बोल दो। यस सर, वेरी यस सर, वेरी गुड। अभी और कुछ ऐसे तुम्हें सेल्स मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो एक बहुत बड़ा सेल है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो ये एक ही सेल है, एक सेल है, समझ रही हो, एक कितना बड़ा सेल यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बड़ा सेल है। इसके अंदर देखो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इकट्ठा हो गए, हाँ या ना। एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियस है, समझ गए। तो बाकी जितना सेल देखो, हर एक सेल के अंदर क्या हुआ, क्या है, एक एक न्यूक्लियस है। लेकिन ये इतना बड़ा जो सेल है ना, बहुत बड़ा सेल, इसके अंदर कितना न्यूक्लियस है बताओ, 7 न्यूक्लियस, समझ गए। तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्यूज्ड एंटीस्क्यू सेल। मतलब एक एंटीस्क्यू सेल बना, उसके बाद वो दूसरा एंटीस्क्यू सेल के साथ मिल गया, दो एंटीस्क्यू सेल मिल गए। इसका मतलब है ये जो 7 यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, तो कितना एंटीस्क्यू सेल इसके अंदर मिला होगा, 7, समझ
समझ गए? तो सात एंटीस्क्यू सेल मिला के एक बड़ा बना दिए, इसके अंदर सात न्यूक्लियस इसलिए है। इसे क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड आस्कॉफ जैंट सेल। इसे क्या बोल देंगे? आस्कॉफ जैंट सेल। आस्कॉफ जैंट सेल, ठीक है ना। तो क्या बोला यहाँ पर, क्या क्या सेल्स मैंने बोला? एक है आस्कॉफ बॉडी बनता है इन्फ्लामेशन की वजह से, हाँ या ना बोल दो। आस्कॉफ बॉडी में बनता है, आस्कॉफ बॉडी की वजह से क्या बन रहा? मैक्रोफेजेस के अंदर आएंगे, और ये मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हम लोग? एंटीस्क्यू सेल, हाँ या ना बोल दो। एंटीस्क्यू सेल बोल दिए। एंटीस्क्यू सेल दो तरह का होता है क्या? एक कैटरपिलर जैसा न्यूक्लियस होगा, हाँ या ना। अगर हमने लॉन्ग सेक्शन किए तो अवेलाइजेशन मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये एंटीस्क्यू सेल क्या हो गए, मल्टीपल एंटीस्क्यू सेल अगर फ्यूज हो गए, ठीक है ना, फ्यूजन ऑफ मल्टीपल एंटीस्क्यू सेल, ठीक है ना। अगर ये फ्यूज हो गए तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ आस्कॉफ जायंट सेल। आस्कॉफ जायंट सेल, आस्कॉफ जायंट सेल, ठीक है ना, जायंट सेल बनाएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब है एक सेल है ये, एक सेल ये, दो सेल, समझ गए, ये तीन नंबर का सेल, ये तीनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए। तो फ्यूज होने के बाद क्या बना? एक ही सेल बना। हर एक के अंदर क्या होगा, मतलब इसके अंदर तीन न्यूक्लियस होगा, समझ गए। इसके अंदर क्या है बताओ? ये सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। ये सारे न्यूक्लियस हो गया। एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस बना? ये हो गए तीन न्यूक्लियस, समझ गए। हाँ या नो? ये फ्यूज होने के बाद ऐसे बनता है, तो दिस इज कॉल्ड आस्कॉफ जायंट सेल, जायंट सेल, समझ गए। हाँ या नो बोल दो। यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं अभी, जोन्स डकेट जोन्स क्राइटेरिया को समझते हैं। तो मैंने बोला डकेट जोन्स क्राइटेरिया को हम यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ द रिमाटिक फीवर। तो इसमें दो क्राइटेरिया आता है, क्या? एक आता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा आता है माइनर क्राइटेरिया। डकेट जोन्स के अंदर याद रखने के लिए निमोनिक है, क्या निमोनिक? जोन्स पीस, क्या बताओ? जोन्स, ये याद रख सकते हो, जोन्स, और दूसरा है पीस, ठीक है ना, जोन्स पीस। ये निमोनिक है, ट्रिक है याद रखने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। J stands for joint. Joint मतलब कौन सा टाइप का होगा? Migratory या polyarthritis होगा। Migratory मतलब क्या? अभी मान लो क्या हो रहा है, तुम्हारा पेन हो रहा है नी में, अभी वो ठीक हो गया, कहां पर? एल्बो का पेन होगा, रिस्ट का पेन होगा, बाद में फिर पेन होगा, हमारा अंकल जॉइंट का पेन होगा। तो ये क्या होता है? माइग्रेटरी होता है। एक जॉइंट पेन हुआ, खत्म होके फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे जाता है, समझ गए। इसे क्या बोल देंगे? माइग्रेटरी टाइप का। पॉलीआर्थराइटिस मतलब क्या? जहां पर तीन से ज्यादा जॉइंट्स अगर अफेक्ट हो गए तो बोल देंगे क्या? पॉलीआर्थराइटिस, समझ गए। हाँ या ना बोल दो। यस सर, यस सर। तो मैंने क्या बोला कि मेजर जोन्स क्राइटेरिया के अंदर मैंने क्या बोला? एक है जे, जे जोन्स है इसका निमोनिक। जो मैं बताऊं, पूछूंगा जैसे, मतलब सारे, मतलब जितने पढ़ रहे हो ना अभी ध्यान से पढ़ो, मैं बताऊंगा एंड में, ये खत्म करने के बाद फिर पूछूंगा कि जे का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या, वो सारे याद रखना। तो जे मतलब क्या आ रहा है? जॉइंट इन्फ्लामेशन होना, जॉइंट पेन होना, बेसिकली कौन सा टाइप का? माइग्रेटरी एंड पॉलीआर्थराइटिस टाइप का होगा। यहाँ पे हार्ट, जे जोन्स का जे ओ है ना, ओ के साथ कोई नहीं बन रहा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको हार्ट शेप बना दिया। सो दैट ओ को हार्ट शेप बना दिया, तो इसका मतलब क्या आता है? हार्ट आता है। तो हार्ट बनाने पर तुम्हें थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, ओ को मैंने हार्ट बना दिया, और हार्ट से क्या आ रहा है? कैराइटिस आता है, वाल्व डैमेज आता है। वाल्व बेसिकली कौन सा टाइप का? माइट्रल वाल्व, समझ गए, माइट्रल वाल्व। नेक्स्ट एन आता है क्या? एन स्टैंड्स फॉर नोड्यूल्स या सबक्यूटेनियस नोड्यूल बोल सकते हो। ई मतलब क्या आता है? एरिथमा मार्जिनेटम, मैं आगे बताऊंगा। एरिथमा मार्जिनेटम क्या आता है? जहां पर तुम्हें एक सर्कल जैसा तुम्हें रासेस दिखाई देगा, और ये रासेस का एक सर्कल जैसा होता है ना, मतलब मैं आगे दिखाऊंगा इसका, सारे मार्जिन में तुम्हें रेडनेस दिखेगा, बीच में व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट होगा, और सराउंडिंग क्या होगा बताओ? रेड कलर का दिखेगा। मैं बताऊ आगे दिखाऊंगा इसको, एरिथमा मार्जिनेटम क्या होता है। नेक्स्ट आता है सिडन हार्म्स कोरिया, कोरिया आता है सिडन हार्म्स कोरिया। कोरिया मतलब क्या होता है? बॉडी, मतलब ये बेसिकली बेसल गैंग्लिया जब अफेक्ट होता है, बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होने पर क्या होता है? कोरिया होता है, सिडन हार्म्स कोरिया होता है। और ये इनवॉलंटरी जर्किंग मूवमेंट होगा आर्म्स का, लेग्स का एंड फेस का। ये सिडन हार्म्स कोरिया किसके वजह से होता है? जहां पर बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया जो हमारा ब्रेन के अंदर है, जो कॉर्डेट पुटामेन वो सारे होते हैं, वो बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या होता है बेसिकली,
हमारा मूवमेंट के लिए, मोटर फंक्शन के लिए, मूवमेंट या कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, वो सारे न्यूक्लियसेस बेसल गैंग्लिया के अंदर होते हैं। तो बेसल गैंग्लिया अगर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ तो फिर क्या होगा, यहां पर इनवॉल्यूंटरी जर्किंग मूवमेंट होगा, इनवॉल्यूंटरी जर्किंग मूवमेंट होना, जर्किंग जैसे सीजर में होता है, जर्किंग मूवमेंट होना, समझ गए क्या? कोरिया को क्या बोलते हैं इसलिए, डांसिंग डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग डिसऑर्डर। हर टाइम हमारा बॉडी हिलता रहता है, समझ गए? इसे क्या बोलते हैं? डांसिंग डिसऑर्डर, समझ गए? तो बेसल गैंग्लिया इन्फ्लामेशन होने पर इनवॉल्यूंटरी जर्किंग मूवमेंट्स होता है, किसका होता है? आर्म्स का होगा, हाथ का होता है, लेग्स का होगा, फेस का होता है, ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी जर्किंग मूवमेंट होना, इसे क्या बोलेंगे? कोरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोरिया, कोरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या आ गया? जोन्स आ गया, जोन्स, ठीक है ना? जे स्टैंड्स फॉर जॉइंट, ओ स्टैंड्स फॉर जॉइंट, ठीक है ना? एंड एन स्टैंड्स फॉर नोड्यूल्स, मतलब सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ई स्टैंड्स फॉर एरिथ्रमा मार्जिनेटम, ए स्टैंड्स फॉर सीडेंटम्स कोरिया, ठीक है? माइनर क्राइटेरिया के अंदर फिर दोबारा आ जाते हैं पांच, ठीक है ना? यहाँ पे पांच, वहां पे पांच, मेजर में पांच, माइनर में पांच। माइनर में क्या आता है? पीस, पी स्टैंड्स फॉर प्रीवियस रिमैटिक फीवर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिमैटिक फीवर, या फिर बोल सकते हो क्या, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूआरटीआई, या फिर ये बोल सकते हो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप थ्रोट, समझ गए? हाँ ना, बोल दो, ठीक है ना? या फिर बोल सकते हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ई में आता है क्या, ईसीजी चेंजेस, बेसिकली क्या, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। ए में आता है क्या, मनोआर्थ्रल्जिया, मतलब एक ही जॉइंट पेन होना, दैट इज माइनर क्राइटेरिया। अगर ज्यादा हुआ तो क्या बोल दिए, पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है ना? आर्थ्रल्जिया मतलब क्या, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होना, आर्थ्रल्जिया मतलब क्या, पेन होना, आर्थ्रल्जिया मतलब पेन होना, मोनो मतलब क्या, एक एक ही जॉइंट पेन होना, दैट इज कमिंग अंडर माइनर क्राइटेरिया। सी में आता है क्या, सी स्टैंड फॉर सीआरपी इंक्रीज। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग, ये सारे एलिवेशन होता है, सीआरपी एलिवेशन होता है, सीआरपी भी बढ़ेगा, ठीक है ना? मोर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ई भी बढ़ेगा, ई मतलब क्या, एलिवेटेड ईएसआर, समझ गए? एलिवेटेड ईएसआर एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, दो चीज यहाँ पर होगा। एलिवेटेड ईएसआर कब बोलेंगे, व्हेन इट विल बी मोर देन इक्वल टू 30 mm इन 1 आवर, दैट इज कॉल्ड एलिवेटेड ईएसआर। एंड टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एलिवेटेड ईएसआर एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है? तो माइनर क्राइटेरिया के अंदर इतना आता है, ठीक है ना? चलो बात करते हैं मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया, बताना तुम लोग, मैं पूछ रहा हूँ। मेजर क्राइटेरिया मैंने बोला कि डॉकेट जोन्स क्राइटेरिया के अंदर पहले बता दो निमोनिक क्या है, जोन्स क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया के अंदर निमोनिक क्या है, मेजर के लिए क्या बताओ, जोन्स है, जोन्स है, और माइनर के लिए क्या है बताओ, पीस, पीस, ठीक है ना? माइनर के लिए है पीस। अभी मेजर क्राइटेरिया को समझते हैं, मेजर के लिए पहले जे स्टैंड्स फॉर व्हाट, जॉइंट, जॉइंट, कौन सा टाइप का, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस और पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है? ये हो गया मेजर के लिए। नेक्स्ट आते हैं ओ को, मैंने क्या बोला, हार्ट से बना दिया, ठीक है ना? ये आता है हार्ट, हार्ट के अंदर क्या आता है बताओ, कार्डियाइटिस, कार्डियाइटिस, और वाल्वुलर डिजीज बेसिकली क्या होता है, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व यहाँ पे डैमेज होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं जो जे ओ के बाद क्या रहे, एन, एन मतलब क्या होता है, नोड्यूल्स, नोड्यूल्स, ठीक है ना? नोड्यूल्स मतलब क्या, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है ई, ई मतलब क्या रहे, एरिथ्रमा मार्जिनेटम, एरिथ्रमा मार्जिनेटम, एरिथ्रमा, एरिथ्रमा मार्जिनेटम, एरिथ्रमा मार्जिनेटम, ठीक है ना? नेक्स्ट आता है क्या, एस, एस मतलब क्या, सीडेनहम्स, ठीक है ना? चलो तो ये हो गया मेजर क्राइटेरिया के अंदर। नेक्स्ट माइनर के अंदर क्या रहा है, पीस, पीस, पी, पी मतलब क्या करता हूँ, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिमैटिक फीवर या फिर यूआरटीआई, ठीक है ना? ये आता है पी के अंदर। ई मतलब क्या आता है बताओ, ईसीजी चेंजेस, ठीक है ना? ईसीजी चेंजेस क्या होगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है ना? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल,
नेक्स्ट आते हैं क्या, ए, ए मतलब क्या आता है, अर्थलजिया, और बेसिकली कौन सा टाइप का, मोनो, मतलब एक ही जॉइंट अफेक्ट होना। नेक्स्ट आते हैं क्या, सी, सी मतलब क्या, इंक्रीज सीआरपी। नेक्स्ट आते हैं क्या, ई, ई मतलब क्या, एलिवेटेड, एलिवेटेड क्या होता है, ये सर बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये हो गया जोन्स मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया, याद रहेगा, याद रहेगा सब। yes, sir. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, डकेट जोन्स क्राइटेरिया, डकेट जोन्स क्राइटेरिया। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ डकेट जोन्स क्राइटेरिया से ऐसे मतलब सारे ऑप्शन होगा, कौन सा एक माइनर क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है, समझ गए। तो तीन ऑप्शन माइनर क्राइटेरिया का होगा और एक मेजर क्राइटेरिया का डाल देगा वहां पे, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो सारे चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अभी बात करेंगे रिगार्डिंग थोड़ा सा कैसे डायग्नोसिस करें। तो मेजर और माइनर क्राइटेरिया हमें पता चल गया, इसेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पे है जो हमें बिल्कुल चाहिए डायग्नोसिस करने के लिए रूमेटिक फीवर एंड हार्ट डिजीज। एक क्या करना चाहिए, थ्रोट कल्चर करना चाहिए, जहां पर कल्चर करने पर हमें पता चलेगा GABHS है या नहीं, या फिर क्या पता चलेगा, ये हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन से वो है या नहीं। अदरवाइज ये ज्यादा टाइम लेता है, मैंने बोला कल्चर के लिए कितना टाइम लगता है, 72 आवर्स। हमें देखना चाहिए एसओ टाइटर, ठीक है ना, एसओ टाइटर हमें इमीडिएटली मिल जाएगा, एसओ टाइटर देख लो, ठीक है ना। दो चीज में से कोई भी एक हो तो चलेगा। तो हमें क्या चाहिए बताओ डायग्नोसिस के लिए, एक आइदर थ्रोट कल्चर ऑफ द GABHS और एलिवेटेड एसओ टाइटर। इसके साथ हमें क्या चाहिए, आइदर दो मेजर क्राइटेरिया, यहाँ पे जो पांच ऑप्शंस देखे हैं शायद हो सकता है कि एरिथमा मार्जिनेटम हो एंड कार्डाइटिस हो, ये दो हो गया तो चलेगा, या फिर एक मेजर, मान लो एक मेजर हमें मिला जॉइंट पेन हो रहा, साथ में ईसीजी चेंजेस है, आर्थ्रल्जिया है, अर्थराइलिया तो नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सीआरपी एलिवेटेड है, ठीक है ना, सीआरपी एलिवेटेड है, समझ गए क्या। तो ये वाला यहाँ पे दो माइनर क्राइटेरिया हुआ, एक मेजर क्राइटेरिया, तब भी बोल सकते हैं कि ये हो गया डायग्नोसिस हमारा रूमेटिक फीवर का, रूमेटिक हार्ट डिजीज का, समझ गए। या फिर हो सकता है कि ज्वाइंट पेन हो, नोड्यूल्स हमें दिखाई दिया, समझ गए, रूमेटिक फीवर बोल देंगे, ज्वाइंट एंड नोड्यूल्स दिखा तो रूमेटिक फीवर बोल दिए, साथ में क्या रहा है, एलिवेटेड एसओ टाइटर। तो क्या हुआ यहाँ पे, डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए बताओ, जो बेसिकली हमें चाहिए जो इसेंशियल क्राइटेरिया है, इसेंशियल के अंदर क्या रहा है बताओ, इसेंशियल के अंदर हमें मिले क्या मिलना चाहिए, नंबर वन थ्रोट कल्चर, क्या मिलना चाहिए, थ्रोट कल्चर होना चाहिए, थ्रोट कल्चर पॉजिटिव फॉर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, और अदरवाइज क्या होना चाहिए, एसओ टाइटर पॉजिटिव, एलिवेटेड एसओ टाइटर, ठीक है ना, इंक्रीज एसओ टाइटर, ये हो गया एसेंशियल क्राइटेरिया। इसके साथ प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए, दो मेजर क्राइटेरिया, टू मेजर क्राइटेरिया, अदरवाइज वन मेजर, ठीक है ना, प्लस टू माइनर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्राइटेरिया डायग्नोसिस करने के लिए रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज, इज इट क्लियर, समझ में आ गया, यस सर, वेरी गुड। ये हो गया डायग्नोसिस के रिगार्डिंग, तो ये बोल देख सकते हो एरिथमा मार्जिनेटम, जहां पर तुम्हें एक अन्यूलर रिंग दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये राउंड रिंग तुम्हें दिख रहा होगा और बीच में व्हाइट और फिर सेंटर में और फिर रेड आता है, दैट इज कॉल्ड एरिथमा मार्जिनेटम। तुम्हें अन्यूलर रिंग्स दिख रहा है यहाँ पे, हाँ या ना, रिंग जैसा दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, एरिथमा मार्जिनेटम। मार्जिन मतलब क्या आता है, मार्जिन मतलब कोई भी, मतलब क्या बोले, पेरीमीटर बोल सकते हो, मार्जिन में, मार्जिन तुम्हें कैसे दिख रहा है बताओ, एरिथमा मतलब क्या, रेडनेस, रेड, एरिथमा मतलब रेड और मार्जिनेटम मतलब मार्जिन, हाँ या ना। तो मार्जिन में बाउंड्री बोल सकते हो, मार्जिन मतलब बाउंड्री, अगर बाउंड्री रेड दिख रहा तो क्या बोल देंगे, एरिथमा मार्जिनेटम। यहाँ पे बाउंड्री रेड दिख रहा है ना, हाँ या ना, बोलो, नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द रूमेटिक फीवर। पहले क्या आता है, नंबर वन इज बेड रेस्ट,
उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है ना। जो एंटीबायोटिक प्रिफर किया जाता है रिमाटिक फीवर में, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस, ठीक है ना, ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस बोल सकते हो, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस तो कौन सा आता है बताओ, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस में पेनिसिलिन, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं स्टीरॉयड और एस्पिरिन फॉर 12 वीक्स, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस आता है हमारा, क्या स्टीरॉयड आता है, ड्रग ऑफ चॉइस स्टीरॉयड, क्यों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है ना, ऑटो इम्यून है तो इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, स्टीरॉयड चाहिए, समझ गए, है ना, बोल दो सर। यस सर। चलो अगर मान लो किसी का स्ट्रेप थ्रोट हुआ, ठीक है ना, स्ट्रेप थ्रोट बार बार हो रहा है, तो स्ट्रेप थ्रोट के वजह से बाद में जाके एक जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है GABHS का, वो क्या हो सकता है, रिमाटिक हार्ट डिजीज। तो इसलिए अगर मान लो किसी का बार बार स्ट्रेप थ्रोट हो रहा है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, रिमाटिक हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे, पेनिसिलिन या मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक, जो कि एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन और क्लारिथ्रोमाइसिन, कोई भी एंटीबायोटिक को आज प्रोफाइलैक्सिस हम दे सकते हैं। अभी बात करते हैं रिगार्डिंग नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रिमाटिक फीवर, जस्ट इन 5 मिनट्स खत्म करेंगे, उसके बाद चलेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने, ठीक है। चलो तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रिमाटिक फीवर में क्या आता है, असेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद सस्पेक्टेड रिमाटिक फीवर, अगर कोई बच्चा तुम्हारे पास आया जिसको हम तुम डाउट कर रहे हो, पॉसिबली हो सकता है उसे रिमाटिक फीवर है, ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, नंबर वन इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिसेंट सोर थ्रोट, समझ गए, इंक्वायरिंग अबाउट द सोर थ्रोट, रिसेंट सोर थ्रोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए, क्यों, क्योंकि जो रिमाटिक फीवर है वो बेसिकली मैंने बोला था 2 से 6 हफ्ते के बाद, 2 to 6 weeks आफ्टर अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड ग्रुप है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ऑलरेडी मैंने बोला था अगर क्या होता है GABHS का इन्फेक्शन होता है वो क्या होगा, स्ट्रेप थ्रोट होगा, है या ना, बोल दो Yes, sir. समझ गए क्या? Yes, sir. और इसको अगर yes, हमने 2 से 6 हफ्ते तक हमने इसको ट्रीटमेंट नहीं किए तो बाद में क्या हो जाता है, रिमाटिक फीवर, उसके बाद क्या होता है, रिमाटिक हार्ट डिजीज का बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो हमें क्या देख लेना चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रेप थ्रोट का है या नहीं, ये हमें पता लगाना चाहिए, इंक्वायरी कर लेना चाहिए, समझ गए, है ना, बोल दो, अगर तुम्हें रिमाटिक फीवर का डाउट होता है। चलो आगे बढ़ रहे, असेस करो क्या, वाइटल साइन असेस करो, ठीक है ना, कंट्रोल जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन, कैसे करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, मसाज करो, जॉइंट पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एक है क्या, मसाज करना, दूसरा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, बताओ जॉइंट पेन को कम करने क्या करना चाहिए, नंबर वन मसाज, नंबर टू हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, समझ गए। नेक्स्ट आता है क्या, बेड रेस्ट देना, प्रोवाइड बेड रेस्ट, डोंट वरी, इसके बाद एग्जाम मतलब ये क्लास के बाद में इमीडिएटली PDF सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से नोट बना लेना, थोड़ा बहुत नर्सिंग मैनेजमेंट जो है, चिंता yes, लिखने के लिए मत जाओ yes, अभी समझने के लिए कोशिश करो, मैंने क्या बोला, पहले प्रीवियस हिस्ट्री देखना, किसका बताओ, सोर थ्रोट का, सोर थ्रोट का, मैंने क्या बोला कि वाइटल साइन चेक करो, नंबर थर्ड क्या बोला, जॉइंट पेन को कम करने कंट्रोल करने या इंफ्लामेशन को कंट्रोल करने क्या कराएंगे, मसाज, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, नेक्स्ट आप देखिए जॉइंट पेन हो रहा, ठीक है ना, क्या देंगे, बेड रेस्ट देंगे, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एक्यूट फेब्रिल फेज, जब फीवर हो रहा है उस टाइम के अंदर क्या देना है, बेड रेस्ट देना है, बेड रेस्ट, लिमिट फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करने पर क्या होगा, जॉइंट पेन ज्यादा होगा, समझ गए क्या, और हार्ट के ऊपर ज्यादा से प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बाल के ऊपर बाल तो खराब है, इसके वजह से क्या होगा, हार्ट उतना अच्छा से पंप नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा से सप्लाई नहीं कर पाएगा आयोटा के अंदर, क्योंकि बैकफ्लो होता है, समझ रहे हो क्या, तो इसीलिए लिमिट फिजिकल एक्सरसाइज और क्या देना, बेड रेस्ट देना, समझ गए। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक कौन सा प्रिफर किया जाता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दिया जाता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्टर सैलिसिलेट्स, सैलिसिलेट्स मतलब क्या, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है ना, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए एस्पिरिन बेहतर है, समझ गए, और ऊपर से ये क्या है, एस्पिरिन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, समझ गए, और एस्पिरिन का और क्या इफेक्ट होता है, ये एंटी प्लेटलेट एजेंट है, एंटी प्लेटलेट है, ठीक है ना, प्लेटलेट को एग्रीगेट करने नहीं देगा, और एग्रीगेट ना होने पर क्या होगा, क्लट तो नहीं बनेगा, हार्ट के अंदर स्ट्रोक होने का चांस मतलब कम है, हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट तो नहीं बोल सकते, हार्ट अटैक होने का चांस
कम हो जाएगा अगर आस्पिरिन ले रहे हो, समझ गए। नोट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, दिस मेडिकेशंस, कोई भी मेडिकेशन, मतलब जो सैलिसिलेट के बारे में बोला और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जो हुआ, उसे कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना। कब नहीं करना? जब तक ये पेशेंट डायग्नोसिस नहीं हुआ है रूमेटिक फीवर से। एक बार डायग्नोसिस हुआ रूमेटिक फीवर में, उसके बाद देना क्या, आस्पिरिन या फिर कोई एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप। सो इसलिए मैंने बोला नोट करो, दिस मेडिकेशंस लाइक सैलिसिलेट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर द डायग्नोसिस। समझ गए क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर। यस सर। चलो, क्यों नहीं देना? क्योंकि अगर पेशेंट को पॉलीआर्थराइटिस है और हमने दे दिया सैलिसिलेट या एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप, उसके बाद पॉलीआर्थराइटिस का जो पेन है वो सबसाइड हो जाएगा और हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कि वो आर्थराइटिस है या नहीं। समझ गए क्या? इसलिए अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ है तब तक हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस करने में दिक्कत आएगा। समझ रही हो? यस सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, क्यों, कोरिया होता है, हाँ या ना? कोरिया में क्या होता है, इनवॉलंटरी हाथ पैर फेस सारे हिलते रहते हैं, डांसिंग डिसऑर्डर, हाँ या ना बोलो? इसलिए सीजर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सारे जो नियर बाय, मतलब पहले तो क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का जो ड्रेस है वो थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो? समझ गए क्या? और मुंह को क्या करना पड़ेगा, साइड को टर्न करना पड़ेगा, एस्पिरेशन ना हो। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। नेक्स्ट, पास में अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, उसे निकाल के बाहर ले जाना है। समझ गए क्या? सो दैट जब सीजर हो तो उस टाइम पे क्या होना, वो ऑब्जेक्ट इसके कंटेक्ट में ना आए, और आएगा तो क्या होगा, इंजरी होगा। कभी भी ट्राई मत करो अगर पेशेंट सोया है जबरदस्ती उसके ऊपर, मतलब कभी कभी क्या होता है जब सीजर आता है और बाकी लोग क्या करते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको मतलब होल्ड करके रखने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो, इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर होने का चांस रहता है, कभी ऐसा मत करो। समझ गए क्या? Yes, sir. तो सीजर प्रिकॉशन जो है वो लेना पड़ेगा ड्यूरिंग कोरिया। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स अबाउट द नीड ऑफ एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस फॉर डेंटल बर्क इन्फेक्शन एंड इनवेसिव प्रोसीड्यूर्स। पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या, बिफोर ऑकरेंस हमें अगर पहले प्रिवेंट करने के लिए आगे जाके, प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या, प्रिवेंटिव मेजर इसको बोल सकते हो, दिस इज द टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर, समझ गए, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो उससे पहले अगर हम लेते हैं तो क्या बोलेंगे, प्रोफिलैक्सिस बोलेंगे। समझ गए? अगर मान लो किसी का अगर डेंटल एक्सट्रैक्शन है, टूथ एक्सट्रैक्शन है, तो उससे पहले एंटीबायोटिक दे दो। इन्फेक्शन अगर मतलब किसी को है तो वो दे देंगे एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस। अगर इनवेसिव प्रोसीड्यूर हो मतलब करना है तो उससे पहले दे दो एंटीबायोटिक, ठीक है ना। एडवाइस द चाइल्ड, बच्चे को एडवाइस करो कि अगर तुम्हारा स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्या है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ स्ट्रेप्टोकोकस का, इमीडिएटली आके पेरेंट्स को बता देना। तो ये बच्चे के लिए एडवाइस है। बच्चे को क्या बोलेंगे कि अगर तुम्हारा स्कूल में तुम्हारे पास कोई फ्रेंड जो है उसे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो इमीडिएटली आके पेरेंट्स को बता देना। समझ गए? ये बच्चे के लिए है। चलो, इतना समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो अभी बात करते हैं रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सारे रिमाटिक फीवर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इन रिमाटिक फीवर सीडन हार्म्स कोरिया अकर्स बिकॉज़ ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैस सीएनएस कार्डियोवास्कुलर जीआई एंड जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। क्या आंसर क्या होगा? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली मैंने क्या बताया था, क्या अफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, बेसल गैंग्लिया, ठीक है ना, बेसल गैंग्लिया। समझ गए? बेसल न्यूक्ली बोल सकते हो। इसके अंदर क्या क्या आता है, नंबर वन कॉडेट, कॉडेट आता है, नंबर टू पुटामेन, ठीक है ना, और नंबर थर्ड ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस, ठीक है ना, ग्लोबस पैलिडस। ये तीनों न्यूक्लियस आते हैं जो कि बेसल गैंग्लिया के अंदर आते हैं, ठीक है ना, और ये कॉडेट पुटामेन ग्लोबस पैलिडस ये सारे कंट्रोल क्या करते हैं बताओ, कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट। समझ गए? कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कराते हैं। जैसे ही बेसल गैंग्लिया क्या हुआ, इन्फ्लेम्ड हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट का नहीं रहेगा, इनवॉलंटरी कोऑर्डिनेशन होगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कोरिया, है ना, सिडन हार्म्स कोरिया। क्या बोलते हैं, डांसिंग डिसऑर्डर।
डांसिंग डिसऑर्डर ठीक है ना, डांसिंग डिसऑर्डर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमैटिक फीवर, क्लेप्सिला, गोनोकोकस, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइट, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइट स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा है? बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। पायोजेंस क्या एंटीजन छोड़ता है? स्ट्रेप्टोलाइसिन। ठीक है ना, बॉडी क्या बनाते हैं अगेंस्ट इसका? एसओ, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन। ठीक है ना, तो डायग्नोसिस करने के लिए इसलिए क्या देखते हैं? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइट। एसओ टाइट। एसओ जब समझ गए ये क्या रहेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ गए, चलो आगे बढ़ रहे। ए नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ चाइल्ड हु इज एडमिटेड विद द सस्पेक्टेड रिमैटिक फीवर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिक टू द रिमैटिक फीवर? रिमैटिक फीवर के लिए कौन सा एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन मतलब इन्फॉर्मेशन है? ऑप्शन ए फीवर दैट स्टार्टेड 2 डेज बैक, वोमिटिंग फॉर लास्ट 2 डेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिसेंट एपिसोड्स ऑफ फारिंजाइटिस। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। तो मैंने क्या बोला, जब भी हमें असेसमेंट करना है पहले क्या देखना, अगर हम डाउट कर रहे हैं रिमैटिक फीवर का तो फिर हमें देखना होता है प्रीवियस हिस्ट्री है ना, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ क्या देखेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूआरटी ना बोल दो, ये देखना चाहिए। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिमैटिक फीवर प्रोफाइलैक्सिस इन पेनिसिलिन एलर्जी पेशेंट। पेनिसिलिन मैंने बोला ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? पेनिसिलिन होता है। अगर पेनिसिलिन का एलर्जी कोई पेशेंट को है तो क्या देना चाहिए? तो ये एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, मैंने बोला था कि एरिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, ये सारे मैक्रोलिड्स होते हैं। कौन से टाइप का होते हैं? मैक्रोलिड्स। तो ये मैक्रोलिड्स को अदरवाइज हम दे सकते हैं, आइदर पेनिसिलिन देंगे नहीं तो क्या दे सकते हैं, एक है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, हाँ ना बोल दो नंबर। क्लारिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन है ना, अदरवाइज क्या दे सकते हैं? नंबर थर्ड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, इधर पेनिसिलिन देंगे नहीं तो मैक्रोलिड्स देंगे। ठीक है ना, बताया था मैंने, याद है या नहीं? बता दो। क्या याद, यहाँ पे क्या था देखो, प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या देते थे? पेनिसिलिन देते थे। अगर अवेलेबल नहीं है मतलब पेनिसिलिन का एलर्जी है तो क्या देंगे? मैक्रोलिड्स देंगे। क्या? एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन और क्लारिथ्रोमाइसिन। वेरी गुड। रिमैटिक फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछ लिया तो क्या है बताओ? स्टीरॉयड है। लेकिन ड्रग एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस, मैंने बोला एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस क्या होगा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अगर नहीं दे सकते तो क्या देंगे? मैक्रोलिड्स देंगे। ठीक है ना, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या क्लारिथ्रोमाइसिन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रिमैटिक फीवर। रिमैटिक फीवर के रिगार्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमैटिक फीवर इज GABHS। डी सर। फाइव ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव कॉमनली अफेक्टेड विद द रिमैटिक फीवर। क्या ये सही है? हां या ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये भी करेक्ट है। जोन्स क्राइटेरिया इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ रिमैटिक फीवर। क्या ये सही है? मेजर के लिए निमोनि क्या है? जोन्स। एंड माइनर के लिए क्या होता हूँ? पीस। 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 ठीक है ना, पीस है, माइनर क्राइटेरिया का है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए हमें? एक है कल्चर देखना चाहिए, प्लस इनके साथ क्या होना चाहिए? टू मेजर होना चाहिए। टू मेजर और वन माइनर। प्लस टू माइनर। समझ गए? समझ गए क्या? यही वाला क्राइटेरिया। चलो आगे बढ़ रहे। नर्सिंग ऑफिसर हैज कलेक्टेड हिस्ट्री फ्रॉम ए चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम रिमैटिक फीवर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? ठीक है ना, ऑप्शन ए रिसेंट हिस्ट्री ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, बी रिसेंट फारिंजाइटिस, सी स्टेइंग इन रूरल स्लम एरिया, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर क्या होगा?
ये तो डेफिनेटली तुम्हारा बी के लिए तो 100% आना चाहिए। हाँ या ना बोलो। यस सर। मैंने बोला यस सर। अगर नर्सिंग ऑफिसर कलेक्टेड द हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री कलेक्ट कर रहा तो डेफिनेटली इसका हिस्ट्री तो पूछना चाहिए। हाँ या ना बोलो। यस सर। समझ रही हो क्या? अगर टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ, टूथ एक्सट्रैक्शन ऑल्सो विल अलाउ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू एंटर इनटू योर बॉडी। हाँ या ना? क्यों? अगर टूथ एक्सट्रैक्शन करने के बाद वहां पे क्या होता है, ओपन रह जाता है, टिश्यू ओपन हो जाता है। हाँ या ना? उसके अंदर तो जाएगा ना जब, डेफिनेटली। समझ रही हो? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। अगर रूरल स्लम एरिया में रहोगे तो स्लम एरिया में क्या होता है, स्लम एरिया में छोटा सा जगह पर बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। है या ना? तो इनके बीच में ना कंटेक्ट ज्यादा होता है। इसलिए मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं विंटर एंड समर सीजन, ठीक है ना, विंटर एंड समर दोनों के दोनों अगर कंपैरिजन करके बोलूं तो विंटर में ज्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। क्यों? घर के अंदर सारे मेहमान रहते हैं, घर के अंदर सारे लोग रहते हैं, विंटर में बाहर नहीं जाते। समझ गए? तो जितना क्राउड उतना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। ओके। तो रूरल स्लम एरिया में क्या होता है, क्राउड ज्यादा होता है, और ये क्राउडिंग के वजह से क्या होगा, दिस विल लीड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। समझ गए? तो ये तीनों इसीलिए सही होगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग रेमेटिक फीवर इज डेवलप्ड बाय डस कार्ल लैंडस्टेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लियोन हॉक एंड टी डॉकेट जोन्स। जोन्स क्राइटेरिया एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा माइनर क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता? फीवर, आर्थ्रालजिया, कोरिया, देन प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। कोरिया। वेरी गुड। ये मेजर क्राइटेरिया के अंदर आता है। हाँ ना बोलो। और बाकी आर्थ्रालजिया तो कौन सा टाइप का? बेसिकली मोनो आर्थ्रालजिया। मोनो, मोनो टाइप। फीवर आता है कौन सा में आता है? एलिवेटेड टेम्परेचर था। एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड ये सर था। हाँ या ना बोलो। ये सर एंड टेम्परेचर। हाँ, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल ये भी तो था। इसी की चेंजेस में आते हैं। और बाकी सिर्फ कोरिया आता है, कोरिया जो की बेसिकली जोन्स में आता है। हाँ या ना? जोन्स मतलब क्या? एस के अंदर है ना, सिडेनहाम्स कोरिया। सिडेनहाम्स कोरिया आता है। तो यहाँ पे जो मेजर क्राइटेरिया में आता है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, कोरिया। इसलिए तो नहीं आएगा माइनर के अंदर। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए सारे हमें पता होना चाहिए मेजर के अंदर क्या आ रहा है, माइनर के अंदर क्या आ रहा है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वाल्व इन द रेमेटिक हार्ट डिजीज इज डैश, ट्राइकोस्पिड, आयोटिक, माइट्रल, पल्मोनिक। माइट्रल, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है? माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है ना, माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। और माइट्रल रिगर्जिटेशन होने पर हम ऑस्कल्टेशन करने पर कौन सा टाइप का साउंड सुनाई देगा? पैन सिस्टोलिक मर्मर। पैन सिस्टोलिक मर्मर या होलो सिस्टोलिक मर्मर। वेरी गुड। पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, मर्मर। और अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल्सो नोन एज होलो सिस्टिक मर्मर। होलो सिस्टोलिक, ठीक है ना, होलो सिस्टोलिक मर्मर। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। यस सर। एज पर द जोन्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रिमेटिक फीवर, व्हाट इज द मिनिमम रेकमेंडेड क्राइटेरियन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड टू डायग्नोस एक्यूट रिमेटिक फीवर? मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ वन मेजर और टू माइनर साइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल क्राइटेरिया। बी, प्रेजेंस ऑफ टू मेजर साइंस एंड नो माइनर साइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल क्राइटेरिया। सी, बोथ ए एंड बी। D, presence of one major and one major sign, minor sign. C, option C. Option C correct है, हाँ या ना? पहले हमारा क्या चाहिए बताओ? एक तो essential criteria mandatory है, हाँ या ना? इसके साथ one major, two minor होगा तो चलेगा, हाँ या ना? Essential criteria के साथ और क्या होना चाहिए? Two major होगा तो भी चलेगा, no minor, minor क्या यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, हाँ या ना बोल दो। तो इसलिए क्या होगा? Yes, sir. बोथ ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो क्या बोल देंगे? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड बाय द नर्स टू डिक्रीज द जॉइंट पेन एसोसिएटेड विद द रिमेटिक फीवर? क्या करेंगे अगर रिमेटिक फीवर में जॉइंट पेन हो रहा तो क्या कराएंगे? ऑप्शन ए, मेंटेनिंग द जॉइंट्स इन ए न्यूट्रल पोजीशन। बी, डू आइस कंप्रेशन। सी, अप्लाई ट्रैक्शन टू द जॉइंट। D, use bed cradle to avoid weight off the linen.
ऑप्शन बी डू आइस कंप्रेशन. आइस कंप्रेशन हाँ बेसिकली ये आइस कंप्रेशन यहाँ पे बी होना चाहिए. ये गलत है आंसर. ठीक है आंसर क्या होना चाहिए? डू आइस कंप्रेशन. आइस कंप्रेशन. नेक्स्ट व्हाट इंफॉर्मेशन द नर्स शुड कंसीडर व्हाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ अ चाइल्ड विद द सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर. ऑप्शन ए वोमिटिंग. ये तो हो गया ना रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिनजियलिटी पहले भी हुआ. वेरी गुड. चलो a nurse is caring for a child with a suspected diagnosis of rheumatic fever. The nurse reviews the laboratory results knowing that which laboratory study would assist in confirming diagnosis of rheumatic fever. W Esotiter. हमें बताएगा कि rheumatic fever है या नहीं. तो ये confirmatory diagnosis है. तो basically esotiter के साथ हमें क्या देखना चाहिए? Two major देखना चाहिए. क्राइटेरिया के अंदर था. आइदर हम एसोटाइटर कराएंगे अदरवाइज क्या कराएंगे? कल्चर कराएंगे. थ्रोट कल्चर कराएंगे जहाँ पर क्या मिलेगा हमें? जीएबीएचएस मिलेगा. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ रहे हैं. एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ are seen in DAS, BSD, subacute endocarditis, rheumatic fever, cardiomyopathy. Rheumatic fever. Rheumatic fever में मिलेगा. Anti-streptolysin O अगर मिला, ये कौन से type का है बताओ? This is antibody. है ना? तो ये किसके against बनेगा? ये antigen के against कौन सा antigen? Streptolysin. Streptolysin. ये streptolysin कौन बनाता है? बनाता है? जल्दी बताओ. एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी क्या है बताओ? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन. टेस्ट कराएंगे क्या? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन या एसो टाइटर कराएंगे. है या ना? चलो ये हो गया आंसर. रूमेटिक फीवर कोई डाउट यहाँ तक बता दो. केमोप्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या? एंटीबायोटिक. ठीक है ना. एंटीबायोटिक्स. ठीक है ना. विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंटीबायोटिक के लिए? क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, बेंजामिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बी, प्रोकेन पेनिसिलिन. देखो तीन पेनिसिलिन है यहाँ. आंसर क्या होगा? आंसर इज बेंजाथाइन पेनिसिलिन. समझ गए? तो पेनिसिलिन तीन तरह का. हम आगे जाके बात करेंगे रिगार्डिंग, जब हम एंटीबायोटिक बात करेंगे तब बात करेंगे पेनिसिलिन के रिगार्डिंग. अभी के लिए याद रखो पेनिसिलिन का तीन वेराइटी है. क्या क्या? बेंजाथाइन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी एंड प्रोकेन पेनिसिलिन. इनका प्रिफरेंस कैसे होता है उस हिसाब से पेनिसिलिन का अलग अलग वेराइटीज है. तो बेंजाथाइन पेनिसिलिन जो है वो ज्यादातर प्रिफर किया जाता है कंपेयर टू पेनिसिलिन बी एंड प्रोकेन पेनिसिलिन. ठीक है याद रखना बेंजाथाइन पेनिसिलिन. एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. इनिशियली प्रोकेन पेनिसिलिन ट्वाइस ए डे फॉर 10 टू 14 डेज, देन लॉन्ग एक्टिंग बेंजाथाइन पेनिसिलिन वंस इन 15 टू 21 डेज दिया जाता है. तो पहले क्या दिए? प्रोकेन पेनिसिलिन 10 से 14 दिन तक दिए, ट्वाइस ए डे दिए. अभी नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग जो बेंजाथाइन पेनिसिलिन है 15 से 21 दिन तक दिए. समझ गए? तो प्रोफाइलैक्टिकली जो दिया जाता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा कि फॉर केमोप्रोफाइलैक्सिस, तो यहाँ पे इनिशियली प्रोकेन पेनिसिलिन को प्रोफाइलैक्सिस नहीं दिया जाता है. क्या देंगे? बेंजाथाइन पेनिसिलिन. समझ गए? बेंजाथाइन. वेरी गुड. अभी एरिथ्रोमाइसिन में भी दे सकते हैं जब पेनिसिलिन का एलर्जी. ठीक है ना. लेकिन एरिथ्रोमाइसिन नहीं देते, बेसिकली क्या देते हैं? अजिथ्रोमाइसिन. ठीक है ना. अजिथ्रोमाइसिन देंगे और क्या देते हैं? हाँ एरिथ्रोमाइसिन देंगे, अजिथ्रोमाइसिन देंगे एंड क्लारिथ्रोमाइसिन देंगे जो कि मैक्रोलिड. अगर पेनिसिलिन का सेंसिटिविटी हुआ या एलर्जिक रिएक्शन हुआ. समझ गए? तो लेकिन हमारा चॉइस जो होता है वो कौन सा? पेनिसिलिन, बेंजाथाइन पेनिसिलिन होता है. ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद रूमेटिक हार्ट डिजीज हु हैज डेवलप्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन. व्हिच कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन शुड द नर्स मॉनिटर फॉर द क्लाइंट? कोरिया, हार्ट फेलियर,
subcutaneous nodules, erythema marginatum. अगर mitral regurgitation हुआ तो क्या हो सकता है possibly? heart failure. कोरिया हो सकता है क्या? कोरिया तो नहीं होगा ना? mitral regurgitation. subcutaneous nodule छोड़ना होगा. erythema marginatum छोड़ना होगा. नहीं होगा ना? सिंपल सा बात है. समझ रहे हो? अगर mitral regurgitation हुआ तो प्रॉब्लम क्या आता है देखो. अगर ये सारे ब्लड इधर जाएंगे ना तो aorta के अंदर थोड़ी ना जाएगा कुछ. नहीं जाएगा. यस सर. है ना? अगर aorta के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम. है ना? तो अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है तो बॉडी को सप्लाई कम हुआ, तो बॉडी का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं हो रहा, क्या बोल देंगे? हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर. समझ गए? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. समझ गए? हाँ या ना बोल दो. यस सर. यस सर. Next, the nurse is assessing a client scheduled for repair of mitral regurgitation caused by rheumatic heart disease. Which clinical findings should the nurse immediately report to the healthcare provider? Question क्या पूछा? ध्यान से सुन, मतलब समझने के लिए कोशिश करो. कोई client है या patient है जो कि schedule हुआ है, नहीं हुआ. Schedule क्या गया है कि होगा जाके आगे repair किया जाएगा, mitral regurgitation हो रहा है तो repair किया जाएगा. ये rheumatic heart disease हुआ तो mitral regurgitation हो रहा है तो repair करना पड़ेगा. Which clinical findings should the nurse immediately report to the healthcare provider? क्या होने पर immediately report करना चाहिए? Chest pain, peripheral pulse 70 per minute, capillary refill 2 seconds, oxygen saturation 97%. क्या होना चाहिए यहाँ पे? पहले बताओ normal यहाँ पे क्या है बताओ? C and D. B C D. पल्स रेट अगर 70 आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं. 60 to 100 नॉर्मल है तो ये भी तो नॉर्मल है. हाँ ना बोल दो. टाइम कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन. सीआरटी कितना होना चाहिए? लेस देन 3 सेकंड्स. अगर चेस्ट पेन हो रहा तो हम डाउट करेंगे कि प्रॉब्लम कुछ चल रहा है. हाँ या ना? तो इसीलिए अगर कोई क्लाइंट जिसका माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा और ये रिमेटिक हार्ट डिजीज में डायग्नोसिस हो रहा है, मतलब हुआ है, तो वो पेशेंट का अगर चेस्ट पेन हुआ तो इमिडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए. हाँ या ना बोल दो. यस सर. चलो, अगर पल्स रेट आया इतना, सीआरटी इतना आया, SpO2 अगर इतना आया तो ये तो नॉर्मल है, क्यों बताएंगे? समझ रहे हो? इतना मतलब ज्यादा इमरजेंसी है नहीं, ये तीनों बी सी डी. समझ रहे हो क्या? यस सर. चलो यस सर. नेक्स्ट बात करते हैं. व्हेन ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट ऑफ द क्लाइंट ऑफ ए क्लाइंट विद अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिमेटिक फीवर द नर्स नोट्स द प्रेजेंस ऑफ ए होलोसिस्टोलिक मर्मर. Which diagnostic test should the nurse anticipate for the client? देखो आंसर, मतलब देखो आंसर देखने से पहले समझने के लिए कोशिश करो. मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिमेटिक फीवर ऑलरेडी हुआ है क्लाइंट का. जैसे हमने ऑस्कल्टेशन किया तो वहां पे क्या हो रहा है? होलोसिस्टोलिक मर्मर. ठीक है ना? होलोसिस्टोलिक मर्मर मतलब पैन सिस्टोलिक मर्मर है. ये किसके वजह से होता है? किसके वजह से होता है? माइट्रल रिगर्जिटेशन. माइट्रल रिगर्जिटेशन. अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा तो क्या प्रॉब्लम है? आयोटा के अंदर तो नहीं जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम. हाँ या ना बोल दो. यस सर. यस सर. यहाँ पे क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट कम. अभी कार्डियक आउटपुट कम है, ये पता लगाने के लिए क्या चाहिए? वही टेस्ट यहाँ पर आ जाएगा. देखो, एक है चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, पीईटी एंड इको. क्या चाहिए बताओ? ईसीजी. बिल्कुल नहीं. ईसीजी में थोड़ा ना दिखाएगा तुम्हें कार्डियक आउटपुट कितना है. नहीं दिखाएगा ना. इको में दिखेगा इजेक्शन फ्रैक्शन. क्या दिखेगा? इजेक्शन फ्रैक्शन. समझ गए? इजेक्शन फ्रैक्शन दिखेगा. तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होना चाहिए? मोर देन 55. मोर देन 55. अगर 55 हुआ तो पता लगा देंगे कि अच्छा से यहाँ पे कार्डियक आउटपुट हो रहा. समझ रहे क्या? तो इको में पता चलेगा. इको में कैसे पता चलेगा? थ्रू इजेक्शन फ्रैक्शन. इजेक्शन फ्रैक्शन. समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? इको होगा. समझ गए क्या? देखो घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है. घुमा फिरा के पूछ रहा. रिमेटिक फीवर है, होलोसिस्टोलिक मर्मर हो रहा. यहां से हमें पता चलेगा कि क्या हो गया? माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है. अगर रिगर्जिटेशन हो रहा, माइट्रल रिगर्जिटेशन, डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कार्डियक आउटपुट कम हो रहा होगा.
और ये पता लगाने के लिए क्या चाहिए, इको चाहिए, समझ गए, हाँ ना, बोल दो। यस सर। चलो, ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसेस रिपीटेड अटैक्स ऑफ रिमैटिक फीवर हैज ए रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियक लेजन्स इन व्हिच लोकेशन ऑफ द हार्ट, एट्रिया, वाल्व्स, सेप्टम, डी वेंट्रिकल्स। आंसर क्या होगा? आंसर इज वाल्व्स, ठीक है ना। बेसिकली कौन सा वाल्व यहां पे अफेक्ट होता है? मिट्रल वाल्व, ठीक है ना, याद रखना कौन सा वाल्व, मिट्रल वाल्व, इसके बीच में होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, और इसके वजह से क्या होता है, मिट्रल रीगर्जिटेशन, मिट्रल रीगर्जिटेशन, मिट्रल रीगर्जिटेशन, समझ गए। और इसके वजह से क्या, होलोसिस्टोलिक मर्मर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, होलोसिस्टोलिक मर्मर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पैनसिस्टोलिक मर्मर, पैनसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है ना। और ये पैनसिस्टोलिक मर्मर या होलोसिस्टोलिक मर्मर होने पर क्या होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। तो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इको कराएंगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट है, विच क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ ए क्लाइंट पोस्ट माइट्रल वाल्व रिपेयर, अभी माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होता था, ठीक है ना, माइट्रल वाल्व अफेक्ट हुआ, क्या कर दिए, रिपेयर कर दिए, ठीक है ना, पोस्ट माइट्रल वाल्व रिपेयर कर लिए। अभी माइट्रल वाल्व रिपेयर होने के बाद ये पूछ रहा है, माइट्रल वाल्व, पोस्ट माइट्रल वाल्व रिपेयर मतलब रिपेयर के बाद जो कंडीशन है, ठीक है ना, पोस्ट माइट्रल वाल्व रिपेयर, टू द नर्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कब रिपोर्ट करेंगे, आफ्टर माइट्रल वाल्व रिपेयर क्या होने पर, पीरियड ऑफ फैटिक, टॉलरेटिंग माइल्ड एक्टिविटी, स्वेलिंग इन द लेफ्ट लोअर लेफ्ट लेग, पेन 2/10 एट द इंसिजन साइड, 2/10 मतलब बहुत माइल्ड पेन है, मतलब माइनर पेन है, पेन तो कम, मतलब 10 out of 10 मतलब वर्स्ट पेन, खराब पेन, समझ रहे हो, 2/10 मतलब yes, है। तो ये तो कोई मायने नहीं रखता, इंसिजन साइड में थोड़ा बहुत पेन तो डेफिनेटली होगा, समझ रहे हो क्या, टॉलरेटिंग माइल्ड एक्टिविटी, क्या ये सही है क्या गलत है, बताओ यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, पहले बताओ तो क्या सोच रहे हो, ऑप्शन सी क्या लग रहा है, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी डेफिनेटली करेक्ट है, क्यों करेक्ट है बताओ, क्योंकि मैंने बोला क्यों होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, हाँ या ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाँ या ना, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, यहाँ पे लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज एब्सोल्युटली अबनॉर्मल, समझ गए, ये पूरा लेफ्ट साइड क्या हो गया, खराब हो गया, वो चाहे लेफ्ट एट्रियम हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो, यहाँ पे रिगर्जिटेशन हो गया, वापस जा रहा है या ना, और यहाँ से फिर जाता yes, है पल्मोनरी वेन, लंग्स के अंदर फिर क्या हो गया, लंग्स के अंदर एडिमा हो गया, है या ना, एडिमा होगा, एडिमा लंग्स, लंग्स के अंदर, तो लेफ्ट हार्ट फेल्यूर कंप्लीटली होगा, क्या होगा, लेफ्ट हार्ट फेल्यूर, समझ गए क्या, लेफ्ट हार्ट फेल्यूर हो गया, और इसके वजह से क्या होगा कि बॉडी का ना कोई भी पार्ट को सप्लाई अच्छा से ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर ये कार्डियक आउटपुट कम है तो वापस भी तो ब्लड नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या, मतलब जितना सप्लाई होगा उतना तो रिटर्न होगा, सप्लाई तो नहीं रिटर्न क्या होगा, समझ रहे हो क्या, तो इसमें क्या होगा कि रिटर्न नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एडिमा शुरू, क्यों, रिटर्न नहीं होगा तो स्टैग्नेट होगा ब्लड, अगर स्टैग्नेट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एस्केप करेगा ब्लड वेसल, टिश्यू के अंदर सारे ब्लड जाएगा, हाँ या ना, तो वहां पे शुरू होगा क्या, समझे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट फेलियर हो, सारे हार्ट फेलियर वाला केस में ज्यादातर क्या होता है, स्वेलिंग होता है, वो चाहे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, हाँ या ना, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज हो, सारे केसेस में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो लेफ्ट लोअर लोइंग अगर स्वेलिंग हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट फेलियर होना शुरू, समझ गए, समझ गए, हाँ या ना, बोल दो, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी है, तो हमें इमीडिएटली बता देना चाहिए टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। पीरियड्स ऑफ फैटिग इज कॉमन, मोस्टली जितने लोग होते हैं ना हार्ट डिजीज में अफेक्टेड होने वाले, थोड़ा बहुत अगर काम कर लिए तो एक्सर्शन हो जाता है, उनको फैटिक हो जाता है, काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेंगे तो टॉलरेट अगर हो रहा तो बेहतर है ना, माइल्ड एक्टिविटी टॉलरेट कर रहा है तो बेहतर है। इंसिजन साइड में अगर 2/10 पेन है तो बेसिकली तो होगा, इंसिजन साइड में थोड़ा ना पूरा एब्सोल्युटली मतलब नॉर्मल होगा, वहां पे पेन तो थोड़ा बहुत फील होगा ना, समझ रहे हो, तो पेन 2/10 इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, यहाँ पे आंसर है ये वाला, क्या, स्वेलिंग इन द लोअर लेफ्ट लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट द रिमैटिक फीवर टू ए न्यू ग्रेजुएट नर्स, हाउ शुड द नर्स क्लासिफाई द डिजीज, ये कौन सा टाइप का डिजीज है, आर्ट्रियल, ऑटोइम्यून, हेमाटोलॉजी, ऑटोइम्यून एंड मस्कुलोस्केलेटल, आंसर क्या होगा,
Autoimmune. Very good. Autoimmune is the correct answer for this. Next question. The nursing officer is preparing to provide preliminary education for a client about what to expect post-operatively after a mitral valve repair. Which statement should the nurse include in the teaching plan? Post-operatively, जब mitral valve replacement हुआ, post-operatively, कौन सा statement basically बताना चाहिए? You may experience a small separation of your incision. B, you will no longer need any medication after surgery. C, you will be discharged home the same day as the procedure. D, you will need to report any redness around the incision immediately. तो क्या बताना चाहिए पेशेंट को? B. क्या इंसिजन साइड में सेपरेशन होना चाहिए? नो. मान लो ये वाला हमारा इंसिजन है, यहाँ पर इंसिजन क्या गया है ऐसे, तो इंसिजन साइड अगर सेपरेट हो गया तो गलत बात हुआ ना फिर, समझ रही हो? इंसिजन अगर मान लो इंसिजन क्या हो गया ऐसे सेपरेट हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, समझ रही है? समझ गए क्या? ऐसे सेपरेट थोड़ा ना होना, सेपरेट नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो सेपरेशन इज अबनॉर्मल, तो इसके थ्रू क्या होगा फिर, सारे हमारा जो इनर वाला ऑर्गन्स होगा वो बाहर आ जाएगा, समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो इसे क्या बोलते हैं? दहिसेंस. क्या बोलते हैं इसको? दहिसेंस. चलो नेक्स्ट. यू विल नो लॉन्गर नीड एनी मेडिकेशन आफ्टर सर्जरी. सर्जरी के बाद और मेडिकेशन नहीं चाहिए, चाहिए 100% क्या चाहिए? एंटीकोगुलेंट चाहिए, है ना? क्यों एंटीकोगुलेंट चाहिए? क्योंकि mitral valve जो रिप्लेसमेंट होता है ना उसके बाद कोगुलेशन का चांस ज्यादा हो जाता है, ब्लड क्लट बनने का चांस ज्यादा हो जाता है, इसलिए एंटीकोगुलेंट इनको चाहिए. एस्पिरिन में भी पॉसिबिलिटी चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, समझ गए क्या? तो ये आफ्टर सर्जरी मेडिकेशन नहीं चाहिए ऐसे नहीं बोल सकते, समझ गए क्या? यस सर. सो यू विल बी डिस्चार्ज्ड डिस्चार्ज्ड हो द सेम डे एज द प्रोसीड्योर. सेम डे में डिस्चार्ज हो जाएगा ये सही बात है, लेकिन डी नहीं, समझ रही हो क्या? यस सर. चलो नेक्स्ट. यू विल नीड टू रिपोर्ट एनी रेडनेस अराउंड द इंसिजन इमीडिएटली. अगर इंसिजन साइट में अगर रेडनेस तुम्हें दिख रहा तो फिर तुम्हें इमीडिएटली बताना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं. द नर्सिंग ऑफिसर इज क्रिएटिंग ए प्लान. यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना? नो सर. द नर्सिंग ऑफिसर इज क्रिएटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट डायग्नोज विद mitral regurgitation. व्हिच डायग्नोसिस शुड द नर्सिंग ऑफिसर आइडेंटिफाई एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी? ठीक है, तो कोई नर्सिंग ऑफिसर है, कोई प्लान ऑफ केयर बना रहा, तो क्लाइंट डायग्नोज विद mitral regurgitation वाला क्लाइंट के लिए प्लान ऑफ केयर बना रहा है. Which diagnosis should the nursing officer identify as the highest priority? इनमें से कौन सा एक highest priority होगा as nursing diagnosis? Option A, fatigue related to decreased cardiac output. Decreased cardiac output है तो fatigue होगा, तो सही बात है. लेकिन यहाँ पे ये तो सही बात है, लेकिन priority के हिसाब से कौन सा आगे आएगा वो वाला बात यहाँ पे question पूछा है. Decreased cardiac output related to altered cardiac blood flow. C, activity intolerance related to decreased cardiac output and increased pulmonary pressure. D, readiness for enhanced knowledge related to new diagnosis and treatment plan and discharge needs. यहाँ पे क्या लग रहा है? Priority के हिसाब से कौन सा पहले लिखता हूँ? Number one, यहाँ पे D अगर देखो ना वो last में आता है, knowledge वाला. Option B. ठीक है ना, नॉलेज वाला हर टाइम क्या आता है? लास्ट में आता है. ये प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हटा लेंगे, पहले प्रायोरिटी में नहीं आएगा. ए बी सी हमारे पास तीन अभी बचा है, तीन में से कौन सा आंसर हो सकता है पॉसिबली? ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अल्टर्ड कार्डियक ब्लड फ्लो. ठीक है ना, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अल्टर्ड कार्डियक ब्लड फ्लो, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है. ठीक है, कार्डियक आउटपुट अगर कम है, ब्लड फ्लो कम होके, ये हमारा प्रायोरिटी है. समझ रहे हो क्या? ब्लड फ्लो अगर कम है, ब्लड फ्लो कम है और उसके वजह से अगर कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है. ठीक है, समझ में आ गया? यस सर. अभी के लिए इतना, और फिर कल बात करेंगे एक नया टॉपिक और फिर एमसीक्यूज. क्लास आज समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछो. यस सर. कोई डाउट है क्या? नो सर.
चलो फिर बंद करो क्लास। यस सर, कल क्या पढ़ेंगे? क्या हुआ? कल क्या पढ़ेंगे सर? मैं टॉपिक ग्रुप में भेजता हूँ। ओके ओके सर, ठीक है।